Hey guys, a very warm welcome to Study IAS. This is Tanvi Sharma and I welcome you all to our UPSC Prelims Enrichment Course 2020 जहाँ पर हम कवर कर रहे हैं वन ईयर करंट अफेयर्स. हमने जून से शुरुआत करी थी, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर के करंट अफेयर्स हमने कवर कर ली है. आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं नवंबर के करंट अफेयर्स का. ये लेक्चर थोड़ा बड़ा होने वाला है क्योंकि यहाँ पर जितने भी जो हम छोटे छोटे लेक्चर्स में कवर कर रहे थे हम एक ही बारे में पूरे नवंबर का जितने भी मंथ का करंट अफेयर है उसको कवर करेंगे. दिस इज आवर लेक्चर नंबर 32. बट बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडेस लेक्चर, इफ यू आर प्लानिंग टू मूव टू अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, डू नॉट फॉरगेट टू यूज आवर डिस्काउंट कोड स्टडी आईएएस टू अवेल एक्स्ट्रा डिस्काउंट. इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वारी, आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जीमेल इन सब मीडियम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. वी आर ऑन ऑल ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स एंड वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट. स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, दैट इज तवांग फेस्टिवल. यूपीएससी आपसे पूछ लेता है कि ये जो फेस्टिवल्स हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, इस फेस्टिवल्स में क्या होता है. तो ये जो फेस्टिवल है इट बिलोंग्स टू अरुणाचल प्रदेश, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट. ओके, तवांग फेस्टिवल एक एनुअल फेस्टिवल है जो कि 2012 से सेलिब्रेट होना स्टार्ट हो गया. इट बेसिकली डिपेक्ट द रिच कल्चरल हेरिटेज इंक्लूडिंग बुद्धिस्ट रिलीजियस फंक्शंस, ट्रेडिशनल डांसेस, इंडिजीनियस स्पोर्ट, फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फेस्टिवल्स, ये सब चीजें जो होती हैं इसके थ्रू डिपिक्ट करने की कोशिश करते हैं वहां पर लोग. इट स्टार्टेड विद अ रिलीजियस ट्रेडिशन नोन एज सेबांग. ठीक है, तो ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है. विच इज अ प्रोसेस की मंक ऑफ तवांग टाउन मूविंग टू अ फेस्टिवल स्पॉट. ठीक है, वो जब रैलीज के अंदर अपने स्पॉट पर जाते हैं फेस्टिवल में, इसको इस ट्रेडिशन को हम कहते हैं सेबांग. इससे इसकी शुरुआत होती है. मेजर अट्रैक्शन है इसके डांस ऑफ यैक. ठीक है, यैक इज एन एनिमल एंड द अजी इमाहू डांस. अरुणाचल प्रदेश ऑल्सो होस्ट ऑरेंज फेस्टिवल, जीरो म्यूजिकल फेस्टिवल, बॉस्कॉन ऑर्गेनिक फेस्टिवल, बीचू का एडवेंचर फेस्टिवल. ठीक है, ये सब फेस्टिवल्स हैं. ये सब फेस्टिवल्स आप थोड़ा सा याद रखना क्योंकि ये ऐसी जगह है जहां पर यूपीएससी ने अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछे, तो आपसे पूछे जा सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं. तो ये कुछ फेस्टिवल्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए. अदर फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड बाय ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये आप देखिए, ये हैं फेस्टिवल्स, ये हैं ट्राइब्स. जैसे मोपिन एंड सोलोंग इज सेलिब्रेटेड बाय एदिस ट्राइब, लोसार इज सेलिब्रेटेड बाय मोनपास, बुरी बूट इज सेलिब्रेटेड बाय हिल मिरीस एंड शेरदुकपेंस, द्री एक फेस्टिवल है जिसको अपातनीज बनाते हैं, सी डोनी टेंगिन्स बनाते हैं, रे इदु मिशमिस बनाते हैं एंड न्योकुम इज सेलिब्रेटेड बाय निश. ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए. Now let's talk about the next topic, that is Ice Dash and Atithi. ठीक है, ये जितने भी ये जो initiative कोई भी ministry लेकर आती है important हो जाते हैं UPSC point of view से, and it belongs to GS paper number 3. The Ministry of Finance has launched two information technology initiative. पहला है Ice Dash, दूसरा है Atithi. सबसे पहले आप देखिए Ice Dash के बारे में कि इसलिए आया जिससे improve कर सके monitoring of custom clearance of imported goods. कोई भी इम्पोर्टेड गुड्स आते हैं हमारे देश में किसी और देश से तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगती है. उस चीज़ को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, उसकी मॉनिटरिंग को इम्प्रूव करने के लिए हम आइस डैश लेकर आए. दूसरा है अतिथि, विच इज़ टू फैसिलिटेट द अराइविंग इंटरनेशनल पैसेंजर्स. ठीक है, आइस डैश की बात होती है जब हम गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं, वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट द पैसेंजर्स, द इंटरनेशनल पैसेंजर्स, ये जो मिनिस्ट्री है ये लेकर आई है अतिथि. ठीक है, ये जो बोथ इनिशिएटिव्स हैं इसको डेवलप किया है CPIC ने, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स. आइस डैश जो है ये एक तरह से इंश्योर करेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड कि इंडियन कस्टम्स कैसे वर्क कर रहे हैं. ठीक है, डेली कस्टम क्लियरेंस टाइम्स ऑफ इम्पोर्ट कार्गो, ये सब चीजें पता चल पाएगी, लोगों को हेल्प हो पाएगी. इट विल हेल्प द बिजनेसेस इन कंपेयरिंग क्लियरेंसेस टाइम्स अक्रॉस पोर्ट एंड दस प्लान देयर लॉजिस्टिक अकॉर्डिंगली, कि वो उसके बेसिस पर अपना कैसे काम करना है, कैसे लॉजिस्टिक्स यानी ट्रांसपोर्ट को देखना है. ठीक है, ये सब चीज़ें वो देख पाएंगे. इट इज़ डेवलप्ड बाय CBIC ओनली बट इन कोलेबोरेशन विद नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर.
नाउ लेट्स टॉक अबाउट अतिथि. अतिथि एक इजी यूजिंग मोबाइल ऐप है जिसमें इंटरनेशनल ट्रेवलर्स जो है वो फाइल कर सकते हैं कस्टम क्लियरेंस को, ठीक है, डेक्लरेशन को इन एडवांस, ठीक है. एंड पैसेंजर कैन यूज दिस ऐप टू फाइल डेक्लरेशन ऑफ ड्यूटीएबल आइटम्स एंड करेंसी विद द इंडियन कस्टम इवन बिफोर बोर्डिंग द फ्लाइट टू इंडिया, ठीक है. इंडिया में आने से पहले भी ये काम कर सकते हैं वो. एंड इट ऑल्सो एनकरेज टूरिज्म एंड बिजनेस ट्रेवल टू इंडिया, क्योंकि उनके लिए बहुत ज्यादा इंसान रहेगा, बाद में उनको बहुत ज्यादा चीजें नहीं देखनी पड़ेंगी कि उनको क्या क्या करना है. ओके, अब बात करते हैं CBIT के बारे में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के बारे में. ये जो बोर्ड है इट इज अ पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ये डील करता है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी से कि आप कैसे लेवाई करते हो या कस्टम्स को कैसे कलेक्ट करते हो, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, GST जो होता है, इंटीग्रेटेड GST, बेसिकली टैक्स रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उनके फॉर्मुलेशन में, उनसे रिलेटेड जो भी जो पॉलिसीज आती हैं उसमें ये सहायता करता है. ये है कुछ बातें नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के बारे में कि इसको डेवलप किया है मेटी ने. एंड इट प्रोवाइड नेटवर्क बैकबोन टू ई गवर्नेंस सपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड UT एडमिनिस्ट्रेशन. यानी हर लेवल पर गवर्नमेंट को एक बैकबोन सपोर्ट देता है ये नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर. चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज डैनिकल डिप्रेशन. आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि ये एक न्यू डिस्कवरी आई है. ओके, डैनिकल डिप्रेशन कहाँ पे मिलेगा? आपको इथियोपिया के अंदर देखने को मिल जाएगा. एंड ये माना जा रहा है कि इस जगह पर कोई भी एक्टिव एंड नेचुरली अकरिंग लाइफ सस्टेन नहीं कर सकती, जी नहीं पाती, ठीक है. जो एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं, एक्सट्रीमोफाइल्स मतलब वो जानवर जो कि एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम सैलिनिटी, किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन को वो सह पाते हैं और वहाँ पे जिंदा रह पाते हैं, वो भी यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर है यहाँ पर, ठीक है. तो यहाँ पर बेसिक बैरियर ये बताया जा रहा है कि पहला कि मैग्नीशियम डोमिनेटेड ब्राइन्स दैट कॉज सेल्स टू ब्रेक डाउन, वहां पे आपको मैग्नीशियम डोमिनेटेड ब्राइन्स मिल जाएंगे. देखिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आप अपने दिमाग में रजिस्टर करते रहिए. ऑल्सो अगर आपको लगता है कि आप इसको भूल जाएंगे तो अपने आप एक डायरी बना लीजिए, उस डायरी के अंदर चीज़ों को नोट करते रहिए, क्योंकि प्रीलिम्स कब पास आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा एंड करंट अफेयर्स होगा बहुत सारा रिवाइज करने के लिए. तो अभी से ही आप धीरे धीरे नोट्स बनाते रहिए, नोट्स में छोटा छोटा लिखते रहिए कि डैनिकल डिप्रेशन, उसके बाद जैसे आपने डैनिकल डिप्रेशन लिखा उसके बाद आपने नीचे लिख दिए कॉजेज, ऐसे आपको चीज़ याद रहेगी कि यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है. ऐसे आप चीज़ें लिख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट, ऐसे आप एक माइंड मैप बना सकते हैं. एंड एनवायरमेंट हैविंग साइमल्टेनियसली वेरी लो pH, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लो pH है, हाई सॉल्ट है, यानी सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है. अ कॉम्बिनेशन दैट मेक्स अडेप्टेशन हाईली डिफिकल्ट. ये आप देखिए यहाँ पर ये सिचुएटेड है, ये रहा इथियोपिया, इथियोपिया के अंदर आपको मिल जाएगा डैनिकल डिप्रेशन. इट इज लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट इथियोपिया, नॉर्दर्न एंड ऑफ ग्रेट रिफ्ट वैली एंड सेपरेटेड बाय लाइव वोल्केनोस फ्रॉम रेड सी. डैनिकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स लोएस्ट प्लेसेस है, ठीक है, 100 meters बिलो सी लेवल. ये भी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसको लोएस्ट प्लेस माना जा रहा है इन द वर्ल्ड एंड 100 meters बिलो सी लेवल है ये. द प्लेन वॉज फॉर्म्ड बाय इवेपोरेशन ऑफ एन इनलैंड वाटर बॉडी. ये भी माना जा रहा है कि 3 plates के सबवर्जन से ये बना है. All the water entering Danakil evaporates and no stream flows out from its extreme environment. ठीक है, कुछ भी बाहर नहीं आता है. It is covered with more than 10 lakh ton of salt. इतना ज़्यादा salty place है ये. इसलिए भी शायद जो living organisms हैं वो वहाँ पर survive नहीं कर सकते. चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले topic की तरफ, that is tort law and polluter pays principle. ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. जिन लोगों का लॉ बैकग्राउंड है उनको पता होगा व्हाट इज टॉर्ट लॉ, जिनको नहीं पता है उनको आज क्लियर हो जाएगा. तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेनेशन मांगी है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश. बेसिकली इन्होंने 2019 में कहा था कि गिव अस एक्सप्लेनेशन ऑन व्हाई दे शुड नॉट बी पनिश्ड अंडर टॉर्ट लॉ एंड बी मेड टू पे अ हेफ्टी पेनल्टी फॉर स्टबल फायर्स. देखिए अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं या फिर हरियाणा में भी आप रह रहे हैं तो आपने एक कंडीशन देखी होगी दैट इज वेरी हार्मफुल, कि जो नवंबर का टाइम होता है, बेसिकली जो दिवाली का टाइम होता है, उस समय के दौरान बहुत ज्यादा स्टबल फायर्स की वजह से, स्टबल बर्निंग की वजह से
जो दिल्ली का जो पॉल्यूशन लेवल है इट राइजेस अलॉट, ठीक है, वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि लोगों को मास्क पहनने पड़ते हैं, एंड दोज हु ऑलरेडी हैव रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स उनके लिए तो सांस लेना बहुत दुर्बर हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हरियाणा, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश, आप स्टेटमेंट दीजिए, एक्सप्लेनेशन दीजिए कि आपको क्यों पनिश नहीं किया जाए अंदर टॉर्ट लॉ। अभी हम आगे समझेंगे कि टॉर्ट लॉ क्या होता है, कि आपको क्यों हैवी पेनल्टी नहीं देनी चाहिए कि आपने स्टबल फायरिंग करी, ठीक है, आपने स्टबल बर्निंग होने दी एंड आपने इसको रोकने की कोशिश नहीं करी। द कोर्ट हैज सेड दैट द पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल अप्लाइज टू ऑल स्टेट एंड लोकल बॉडीज। ऐसा नहीं है कि कुछ के साथ ही बिलोंग करती है, सारी स्टेट्स के ऊपर ये अप्लाई होगी एंड जो जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनको हैवी पेमेंट देनी पड़ेगी। सबसे पहले आप समझिए कि टॉर्ट लॉ क्या होता है। टॉर्ट लॉ बेसिकली बॉडी ऑफ लॉज हैं जो कि एनेबल करते हैं लोगों को कि लोग कंपनसेशन ले सके अगर उनके खिलाफ कोई भी गलत चीज होती है, ठीक है। व्हेन समवन्स एक्शन कॉज सम टाइप ऑफ हार्म टू अनदर, जब किसी के एक्शन किसी को कोई भी हार्म पहुंचाते हैं, चाहे वो फिजिकल हार्म हो या एक प्रॉपर्टी या रेपुटेशन के ऊपर, यानी मेंटली कोई हार्म हुआ हो, ठीक है, या कोई इंजर्ड पर्सन है, वो अपने डैमेजेस को डिमांड कर सकता है कि आप मुझे जो डैमेज हुआ है उसका मुझे कंपनसेशन मिले। जनरली द कंपनसेशन आर मॉनेटरी, ज्यादातर मॉनेटरी होते हैं, ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट टू बी पेड टू एन इंजर्ड पार्टी बाय द पार्टी एट फॉल्ट, ठीक है, जो कि फॉल्ट में होती है वो उनको कंपनसेशन देती है। टाइप्स ऑफ डैमेजेस दैट मे बी अवॉर्डेड बाय द कोर्ट फॉर सिविल रॉन्ग्स आर कॉल्ड टॉर्शियस कंडक्ट, ठीक है, इन सबको क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज टॉर्शियस कंडक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल। नाउ रीएम्बर्समेंट ऑफ प्रॉपर्टी लॉस और प्रॉपर्टी डैमेज, आपको मेडिकल एक्सपेंस, पेन एंड सफरिंग, लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, प्यूनिटिव डैमेज, ठीक है, ये सब चीजों में मिल सकता है। अब आप समझिए कि पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल क्या है एंड सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्यों एम्फसाइज किया। इट इज कॉमनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस दैट दोज हु प्रोड्यूस पॉल्यूशन शुड बियर द कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग इट। अगर कोई भी स्टेट डेलिबरेटली किसी चीज को नहीं रोक रही है जो कि पॉल्यूशन क्रिएट कर सकती है और इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है दूसरी स्टेट के लिए कि वहां पर लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाए, बेसिकली इन्वायरमेंट को हार्म हो जाए, तो उसके बारे में ये बात करता है, ठीक है, कि इट इज ओनली कॉमनली एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस दैट होज हु प्रैक्टिस पॉल्यूशन शुड बेयर द कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग, कि आप उसको पैसे दो, आप उसको मैनेज करो। फॉर एग्जाम्पल अ फैक्ट्री दैट प्रोड्यूसेस अ पोटेंशियली पॉइजनस सब्सटेंस, किसी फैक्ट्री ने बहुत ज्यादा पॉइजनस चीज बनाई है एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्टिविटीज, इज यूजुअली हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स सेफ डिस्पोजल, कि अगर आपकी कोई ऐसी आपकी फैक्ट्री में से कोई चीज आई है तो आपको बताना पड़ेगा, आपको उसका कंपनसेशन देना पड़ेगा कि आपकी वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ 1992 रियो डिक्लेरेशन विच गिव्स ब्रॉडर प्रिंसिपल्स टू गाइड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ल्ड वाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज कालापानी टेरिटरी। इन द रिसेंटली रिलीज्ड पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया आफ्टर द बाइफर्गेशन ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है, अभी ये दो में डिवाइड हो गए हैं, हमने पहले भी लेक्चर्स में कवर किया है, एंड जो आर्टिकल 370 था इट वॉज स्क्रैप्ड। द कालापानी टेरिटरी बिकम द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। सबसे पहले आप देखिए कालापानी यहाँ पर है, ये रहा नेपाल, ये रहा इंडिया, ये रहा उत्तराखंड, ठीक है, तो उत्तराखंड एंड नेपाल के बीच में आपको मिल जाएगा कालापानी, एंड इसके बारे में काफी ज्यादा इट हैव बिकम अ बोन ऑफ कंटेंशन फॉर बोथ द कंट्रीज। इन द लेटेस्ट पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, इंडिया रिट्रीटेड इट्स क्लेम ऑन द रीजन। हमने बताया कि ये हमारा एक टेरिटरी है, हमारा एक पार्ट है, हमारा ये मानना है कि हिस्टोरिक कालापानी रीजन फॉर्म्स पार्ट ऑफ उत्तराखंड, हमारे यूके का पार्ट है ये। बैकग्राउंड ये है कि कालापानी एक वैली है दैट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय इंडिया एज अ पार्ट ऑफ पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, एंड ये कहाँ पर सिचुएटेड है, कैलाश मानसरोवर रूट के आपको वहां पे सिचुएटेड है ये। द काली रिवर इन द कालापानी रीजन डेमार्केट्स द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, तो यहाँ पर बेसिकली आपको काली रिवर देखने को मिल जाएगी, ओके? अब आपके लिए कुछ चीज हिस्ट्री से रिलेटेड जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि ये ट्रीटी ऑफ सगौली क्या है और हम इसको क्यों डिस्कशन में ले रहे हैं। ट्रीटी ऑफ सगौली को साइन किया गया था किंगडम ऑफ नेपाल एंड ब्रिटिश इंडिया के बीच में साइन हुआ था ये आफ्टर एंग्लो नेपालीज वॉर इन 1816, ठीक है, 1816 में ये हुआ था। लोकेटेड द काली रिवर एज नेपाल्स वेस्टर्न बाउंड्री विद इंडिया, ये माना गया था कि जो काली रिवर है वो एक तरह से डिमार्केशन फॉर्म करती है इंडिया एज वेल एज नेपाल में, ठीक है, तो
ये इसी के बारे में बात करता है. द डिस्क्रिपेंसी इन लोकेटिंग द सोर्स ऑफ द रिवर लेड टू द बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल विद ईच कंट्री प्रोड्यूसिंग मैप सपोर्टिंग देयर ओन क्लेम्स कि ये कहाँ से आया है. ठीक है, इन्होंने लोकेट करना स्टार्ट कर दिया द सोर्स ऑफ रिवर एंड एक तरह से एक लड़ाई स्टार्ट हो गई. इन द रिसेंट मैप इशूड बाय इंडियन गवर्नमेंट द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर फॉर्म्स द पार्ट ऑफ न्यूली क्रिएटेड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कि अब हम उसको अलग पार्ट नहीं मानते, हमारा मानना है कि वो हमारे जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है. और जो गिलगित बल्तिस्तान है इट इज लोकेटेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख. सस्ता एरिया इज वन ऑफ द डिस्प्यूटेड टेरिटरीज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल. ठीक है, सस्ता एरिया भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ये कुछ चीजें होती है जो कि इंटरनेशनल रिलेशन में भी आपको पता होना चाहिए कि काला पानी टेरिटरी के ऊपर थोड़ा सा टसल चल रहा है या सस्ता एरिया के बारे में चल रहा है अने कहां पर लोकेटेड है. ठीक है, काला पानी की बात करते हैं तो हमारे सबसे पहला वर्ड जो आना चाहिए दिमाग में दैट इज काली रिवर. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सस्ता एरिया इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ गंडक रिवर. तो गंडक रिवर आना चाहिए, इससे हमारी ज्योग्राफी भी साथ साथ रिवाइज होती रहेगी. गंडक रिवर जिसको हम नारायणी रिवर कहते हैं. ठीक है, बेसिकली नेपाल में नारायणी रिवर कहा जाता है. द चेंज ऑफ कोर्स बाय द गंडक रिवर इज द मेन रीजन फॉर डिस्प्यूट इन सस्ता एरिया कि उसका जो कोर्स है वो चेंज होता रहता है, इसकी वजह से भी काफी डिस्प्यूट होती है. ये जो एरिया है ये बहुत ज्यादा फर्टाइल है, एरिगेशनल लैंड है, ल्यूवियल सॉइल है, इसलिए दोनों कंट्रीज ये क्लेम कर रही है कि ये हमारा एरिया है. अब आप काली रिवर के बारे में समझिए कि इट इज ऑल्सो नोन एज शारदा रिवर और काली गंगा इन उत्तराखंड. It joins Ghagra River in Uttar Pradesh, which is a tributary of Ganga. And river projects, आपको Kanakpur Hydroelectric Project मिल जाएगा, Chamelia Hydroelectric Project, Sharda Barrage, ये सब कुछ project है जो कि Kali River के ऊपर चल रहे हैं. Now let's talk about the next topic, that is International Seed Treaty. 8th session of governing body of International Treaty of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, ITPGRFA. हुआ रोम इटली के अंदर 11th to 16th November 2019 के अंदर. तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें बेसिकली क्या डेवलपमेंट हुई है. द गवर्निंग बॉडी सेशंस आर हेल्ड बाइनली मतलब हर दो साल बाद ये होता है. इंडिया हाईलाइटेड द नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स एंड यूनिकनेस ऑफ इंडियन लेजिस्लेचर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट टू एड्रेस द रिलेटेड इशू कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कंजर्व करना प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज को. ठीक है, एंड इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर के बारे में आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए. ठीक है, एंड ये है कि इट वॉज अडॉप्टेड बाय 31st सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ फाइव ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑन 3rd of November 2001. ठीक है, जब ये अडॉप्ट किया गया था. इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं फार्मर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर्स टू द डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स कि जो फार्मर्स हैं वो कितने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं कि कैसे क्रॉप्स फॉर्म हो रही हैं, कैसे डाइवर्सिटी हो रही है उसमें. एसेस एंड बेनिफिट शेयरिंग कि एक ग्लोबल सिस्टम फॉर्म हो टू प्रोवाइड फार्मर्स प्लांट ब्रीडर्स साइंटिस्ट एसेस टू प्लांट जेनेटिक मटीरियल कि उनको एसेस मिल पाए. ऐसा नहीं हो कि एक के पास एसेस है तो दूसरे के पास एसेस नहीं है, बिकॉज इन सबका एक अलग रोल है. सस्टेनेबिलिटी कि हम कंजर्व कर सकें, सस्टेनेबली यूज कर सकें प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज को. एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग हो. ठीक है, एक हार्मनी बनी रहे इसके बारे में ये बात करते हैं. एंड इट इज ऑल्सो नोन एज सीड ट्रीटी. इसको सीड ट्रीटी कहते हैं. इट इज कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनेशनल एग्रीमेंट फॉर इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी थ्रू द कंजर्वेशन एक्सचेंज सस्टेनेबल यूज ऑफ वर्ल्ड्स प्लांट जेनेटिक रिसोर्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर. इंडिया एक सेग्रेटरी है. ठीक है, इंडिया ने साइन किया है इस ट्रीटी को, एक सिग्नेचरी है इस ट्रीटी का. ये चीज़ आप याद रखना. अब प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट के बारे में आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये प्रोटेक्ट करता है फार्मर्स एंड ब्रीडर्स के राइट को कि कोई भी राइट उनका ऐसा नहीं हो कि वो क्लेम नहीं कर सके या उनके साथ कुछ इनजस्टिस हो रहा हो. एंड फार्मर इज एंटाइटल्ड टू सेव यूज सो रीसो एक्सचेंज शेयर और सेल हिज फार्म प्रोड्यूस. ठीक है, इसके लिए उनके पास एक राइट है. एंड हिज फार्म प्रोड्यूस इंक्लूडिंग सीड ऑफ अ वेराइटी प्रोटेक्टेड अंडर PPV एंड FR एक्ट 2001 एक्सेप्ट द ब्रांडिंग. ओके, द एक्ट इज कंप्लायंट टू आर्टिकल 9 ऑफ सीड ट्रीटी. तो ये कुछ चीजें जो कि आपको पता होनी चाहिए UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से. चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज सुरंगा भवाड़ी. सुरंगा भवाड़ी सिचुएटेड इन बीजापुर कर्नाटका एंटर कर गया है वर्ल्ड्स मॉन्यूमेंट्स वॉच लिस्ट के अंडर एंशियंट वाटर सिस्टम ऑफ डेकन प्लेटू.
ठीक है, ये आप देख सकते हैं ऐसे कुछ दिखती है एरिया। एंड सुरंगा बवाड़ी एक इंटीग्रल पार्ट है एंशियंट कैरेस सिस्टम का ऑफ सप्लाइंग वाटर थ्रू सबटेरेनियन टनल्स, कि इन टनल्स के थ्रू जो वाटर है वो एक जगह से दूसरी जगह प्रोवाइड किया जाता है। इसको बिल्ड किया गया था आदिल शाह वन ऑफ आदिल शाही डायनेस्टी ऑफ बीजापुर ने, ठीक है, इन अ 16th सेंचुरी टू सप्लाई वाटर टू बिजयपुरा इन कर्नाटका। अब आप समझिए कैरेज सिस्टम के बारे में, ये एक वाटर हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी है जहाँ पे जो ग्राउंड वाटर होता है उसको सरफेस के ऊपर लाया जाता है थ्रू द टनल्स। इन दिस सिस्टम कोई भी ऐसा मैकेनिकल पंप लिफ्ट कुछ नहीं यूज किया जाता है, ग्रेविटी के थ्रू ये सब काम किया जाता है, क्योंकि उस समय पर इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, बट जितना भी लोगों को ज्ञान था उसको उन्होंने फुल यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करी, इसलिए बाय यूजिंग ग्रेविटी उन्होंने इस चीज को इनफोर्स लाया। द टेक्नोलॉजी ओरिजिनेटेड इन पर्शिया ईरान, ठीक है, तो ये पर्शिया एंड ईरान से आती है एंड उसके बाद ये मेडिवल पीरियड में बहुत ज्यादा इस्तेमाल की गई। अब आप समझिए वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच के बारे में। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच एक बायनियल सेलेक्शन प्रोग्राम है ऑफ एट रिस्क कल्चरल हेरिटेज साइट्स, ठीक है, एट रिस्क कल्चरल हेरिटेज साइट, एट रिस्क यानी जो कि रिस्क के अंदर है कि वो जल्दी लुप्त हो सकते हैं, दैट कंबाइंड ग्रेट हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट विथ द कंटेम्प्रेरी सोशल इम्पैक्ट, ठीक है, उनका एक इम्पैक्ट रहता है। इट इज नॉमिनेटेड बेस्ड प्रोग्राम दैट यूजेस कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन टू एम्पावर कम्युनिटीज एंड इम्प्रूव ह्यूमन वेलबींग, ठीक, ह्यूमन वेलबींग बनी रहे। 1995 में ये आई थी बेसिकली, एंड इसने आइडेंटिफाई किया जितने भी इम्पेरल कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं, डायरेक्ट फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करी कि उनका प्रिजर्वेशन रहे। एंड प्रोग्राम ऑल्सो ये चीज़ की देखता है कि इट सीक्स टू इम्प्रूव द रेजिलियंस ऑफ कम्युनिटी, कि सोशल इंक्लूजन ज़्यादा बढ़े, ज़्यादा कैपेबिलिटी बढ़ पाए, ठीक है, एंड हेरिटेज कंजर्वेशन फील्ड जो हैं वो सब भी उनका जो चलन है वो और भी ज़्यादा बढ़ पाए। एनी वन कैन नॉमिनेट अ साइट टू द वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच, चाहे वो कोई प्राइवेट इंडिविजुअल हो या कोई गवर्नमेंट हो या कोई कम्युनिटी ग्रुप हो, ठीक है, ये सारे इसके लिए नॉमिनेट कर सकते हैं। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है एंड इट वॉज फाउंडेड इन 1965 बाय इंडिविजुअल कंसर्न अबाउट द एक्सेलरेटिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ इम्पॉर्टेंट आर्टिस्टिक ट्रेजर थ्रू आउट द वर्ल्ड। देखिए हमारे थ्रू आउट द वर्ल्ड, इंडिया में ही नहीं, इंडिया तो अनडाउटेडली बहुत ज़्यादा रिच है कल्चर वाइज, एंड काफ़ी सारे आपको मॉन्यूमेंट्स एंड छोटी छोटी आपको ऐसी जगह दिख जाएंगी दैट आर ऑफ हाई सिग्निफिकेंस। ऑल ओवर वर्ल्ड में भी ऐसा ही है, तो ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड आया था विच इज़ अ प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एंड ये जब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होने लग गई थी उसके बाद दे थॉट कि ऐसा कुछ फंड लेकर आना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कृष्णापट्टनम पोर्ट। The Adani Group of Companies has expressed its interest in the Krishnapatnam port. ठीक है, आपके लिए important है कि ये port क्या है और इसका अगर कोई historical अगर कोई importance है तो वो क्या है। सबसे पहले जो ये जो Krishnapatnam port है ये Nellore district of Andhra Pradesh यानी हमारे देश के south में आपको ये मिल जाएगा। The port has been named so as Vijayanagar Emperor Shri कृष्णदेव राय, ठीक है, वेरी फेमस किंग, ठीक है, इसके बारे में इनके बारे में आप एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ते होंगे एंड ये जितने भी जो डेवलपमेंट लेकर आया दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो पोर्ट है इनको इन्हीं के नाम पर लाया गया। इन 1980s द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड पोर्ट एज अ माइनर पोर्ट, ठीक है, उस समय माइनर पोर्ट ये डिक्लेयर किया गया था। यूनियन गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ 12 मेजर पोर्ट्स वेर एज माइनर पोर्ट्स आर अंडर द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि यूनियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर मेजर पोर्ट्स वेर एज वेन वी टॉक अबाउट द माइनर पोर्ट्स इट कम्स अंडर द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ओके, अब बात करते हैं विजयनगर एम्पायर के बारे में जिनका एक कनेक्शन है कृष्णापट्टनम पोर्ट से। तो विजयनगर और सिटी ऑफ विक्ट्री, विजय यानी विक्ट्री वॉज नेम ऑफ बोथ अ सिटी एंड एन एम्पायर, ठीक है, सिटी का भी नाम था एक एम्पायर का भी नाम था। 14th सेंचुरी में आई बेसिकली 1336 AD के अंदर बाय हरिहरा एंड बुक्का ऑफ संगम डायनेस्टी। ओके, एंड दे मेड हम्पी एज अ कैपिटल सिटी। इन 1986 हम्पी वॉज डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को, ठीक है, हम्पी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक मॉन्यूमेंट है हमारी देश की, एक इंपॉर्टेंट
एक मॉन्यूमेंट है जो कि हमारे देश का जो रिच कल्चर है उसको डिपेक्ट करती है. इट स्ट्रेच फ्रॉम द रिवर कृष्णा इन द नॉर्थ टू द स्ट्रीम साउथ ऑफ पेनिनसुला. विजयनगर एम्पायर ने रूल किया है फोर इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज को, दैट इज संगम, सलुवा, तुलुवा एंड अरविडु. अब कृष्णदेव राय के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 1509 से 1529 तक इन्होंने रूल किया. ऑफ द तुलुवा डायनेस्टी, दे बिलोंग टू द तुलुवा डायनेस्टी एंड बहुत फेमस ये एक रूलर थे विजयनगर के. हिज रूल वॉज कैरेक्टराइज बाय एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन. ठीक है, एक्सपेंशन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है. इस समय पर इस डायनेस्टी ने बहुत सारी जगहें जो थी उनको हड़पा था. ही इज क्रेडिटेड विद बिल्डिंग सम फाइन टेम्पल्स. इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए हैं साउथ इंडिया में, आपको बहुत सारे टेम्पल्स दिख जाएंगे. ही ऑल्सो फाउंडेड द सुबर्बन टाउनशिप नियर विजयनगर कॉल्ड नगलापुरम आफ्टर हिज मदर. ठीक है, नगलापुरम आफ्टर हिज मदर, बेसिकली नाम इनका उन पे बेस्ड है. ही कंपोज अ वर्क ऑन स्टेट क्राफ्ट इन तेलुगु नोन एज अमुक्ता मल्यादा. ठीक है, तो अमुक्ता मल्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप स्टार लगाकर याद रखना. चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज टाइगर ट्रम्प. टाइगर ट्रम्प अगर आपको याद नहीं हो पा रहा है तो आप इन्हें डोनाल्ड ट्रम्प से याद कर सकते हैं, बट इट इज ट्रिम्प. ठीक है, वो है ट्रम्प, बट थोड़ा सा आपको याद रह सकता है कि इट इज रिलेटेड टू इंडिया एंड यूएसए. ठीक है, तो एक 2019 के अंदर फर्स्ट एवर इंडिया यूएस जॉइंट ट्राई सर्विस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, दैट इज HADR एक्सरसाइज हुई, जिसका नाम रखा गया टाइगर ट्रिम्प. नवंबर के अंदर हुई ये एंड इट वॉज कंडक्टेड ऑफ इन विशाखापट्टनम एंड काकीनाडा कोस्ट इन आंध्र प्रदेश. इट एम्स टू डेवलप इंट्रोपेरेबिलिटी फॉर कंडक्टिंग HADR ऑपरेशन, की हम उन ऑपरेशन को अच्छे से कर सकें. अदर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो हैं उनको आप देखिए कि युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, एयरफोर्स करती है कोप इंडिया एंड नेवल एक्सरसाइज अलॉन्ग विद जापान इज मलाबार. ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए. अब बात करते हैं इसके बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू GS पेपर नंबर 2, दैट इज CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अंडर द RTI एक्ट. ठीक है, RTI एक्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको आप अच्छे से याद करिएगा. द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट द ऑफिस ऑफ CJI इज अ पब्लिक अथॉरिटी अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005. ठीक है, एक 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी विच वॉज हेडेड बाय चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, उन्होंने ये रूलिंग दिया. द सुप्रीम कोर्ट इज अ पब्लिक अथॉरिटी. ठीक है, एक पब्लिक अथॉरिटी है एंड द ऑफिस ऑफ CJI इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इंस्टीट्यूशन. हेंस SC is a public authority, so is the office of CJI. The judiciary cannot function in total insulation as judges enjoy a constitutional post and discharge public duty. However, right to privacy is an important aspect and has to be balanced with transparency while deciding to give out information from the office of CJI. तो जो RTI है, it cannot be used as a tool of surveillance. ये चीज़ ये कह रहा है, ठीक है, and that judicial independence has to be kept in mind while dealing with transparency. तो transparency important है, कि जितनी भी जो authorities हैं वो कैसे work करी important है, but एक जो independence है judiciary की उस चीज़ को hamper नहीं होना चाहिए. On the issue related to the appointment of judges, Supreme Court held that only the names of the judges recommended by the collegium of appointment can be disclosed. कि आप उसको disclose कर सकते हो, but reasons should not be disclosed कि आप क्या reason दे रहे हो. ठीक है, आउटकम ऑफ द रूलिंग ये है कि ऑफिस ऑफ CJI विल नाउ एंटरटेन RTI applications, यानी CJI का जो ऑफिस है वो भी RTI के अंडर आ गया है. अंडर द RTI एक्ट 2005, एवरी पब्लिक अथॉरिटी हैज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द पर्सन रिक्वेस्टिंग फॉर द इन्फॉर्मेशन अंडर द एक्ट. ठीक है, कि क्या चीज की इन्फॉर्मेशन अगर कोई भी इंसान चाह रहा है, किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है, तो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनको वो जो इन्फॉर्मेशन है वो मिले. पब्लिक अथॉरिटी इंक्लूड द बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, जिनको भी कॉन्स्टिट्यूशन ने बेसिकली डेवलप किया है. आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है. नाउ इन्फॉर्मेशन इंक्लूड एनी मटीरियल जैसे रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट, मेमोज, ईमेल्स. ठीक है, द रूलिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अदर बॉडीज सच एज पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, स्कूल, ट्रस्ट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. ठीक है, हु रेजिस्ट कैटेगराइजेशन एज पब्लिक अथॉरिटी अंडर द एक्ट, तो उनके लिए एक एग्जाम्पल क्रिएट करती है कि CJI तो एक बहुत बड़ी एक पोस्ट है, वो भी पब्लिक अथॉरिटी के अंडर आती है, तो
You should also come. However, it has been seen that offices such that of PM and President, which are public authorities under the RTI Act, have been denied information ki wahan se itna zyada information नहीं मिलता है। अब आप 2011 के बारे में देखें कि official need to furnish only such information which already exists and is held by the public authority and not collate or create information कि आप अलग से उससे information create करो। The nation does not want a scenario where 75% of the staff of public authority spend 75% of their time in collecting and furnishing information to applicant instead of discharging their regular duties। कि इसके बाद क्या हो सकता है, काम भी ज़्यादा hectic हो सकता है, तो ऐसा नहीं हो कि इसी काम में लगे रहें। द सी बी आई दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज आउट ऑफ प्रीव्यू ऑफ आर टी आई एक्ट। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये चीज आप याद रखना। अब बात करते हैं अबाउट जियो केमिकल बेस लाइन एटलेस के बारे में। ठीक है, रिसेंटली सी एस आई आर नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया उनका फर्स्ट जियो केमिकल बेस लाइन एटलेस ऑफ इंडिया फॉर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। ठीक है, and the atlas aim to document the concentration and distribution of chemical elements in the soil of India ki kaise wo distributed hain jitne bhi chemical elements hain, to ye geochemical baseline atlas jo hai ye bahut sari jo researches hain unme help karega। 44 maps of metal oxide elements present in top and bottom soil across India unko ye depict karta hai। significance ye hai ki both human activities and natural processes are continuously modifying, to ye usme depict ho sakte hain। it will help to assess the chemical compositional change on the earth surface ki kaise kaise change ho raha hai year by year। it will help the country to assess the presence of toxic chemicals ki hame toxic chemicals bhi pata chal paye ki soil pe kaha kaha pe hain। it also help in identifying how soil pollution is contributing to groundwater contamination ki jo groundwater contamination ho jata hai soil pollution ki wajah se, land pollution ki wajah se, wo kaise ho raha hai। ye jo geochemical baseline jo atlas hai iske through bahut sari cheeze pata chal payengi। further the map will also support in choosing the right soil that's rich in certain micronutrient element required for each plant growth। the geochemical data presented in these map will be part of global map to be prepared by international union of geological sciences jo IUGC hamara jo ek map banayegi global map banayegi। theek hai, usme ye bahut zyada sahayata karne wala hai। csir ngri ke bare mein aapko pata hona chahiye ki ये एक जियो साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1961 में आई थी अंडर काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, आईयूजीसी के बारे में कि ये एक नॉन गवर्नमेंटल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1961 में आई थी, हेल्प करती है प्रमोट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए स्टडी ऑफ जियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो जियोलॉजी से रिलेटेड होती हैं एंड फैसिलिटेट इंटरनेशनल एंड इंटरडिसिप्लिनरी कॉपरेशन इन द अर्थ साइंसेज की, अर्थ साइंसेज की जब हम बात करते हैं उसमें ये सहायता कर सके। द यूनियन कंसिस्ट ऑफ 121 मेंबर्स नेशंस। ठीक है, इंडिया भी एक मेंबर है। एट प्रेजेंट IUGS जो है वो कंसिडर करती है इशूज जैसे जियो साइंस एजुकेशन, जियो साइंस इंफॉर्मेशन, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड हजार्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। पॉलिटिक्स रिलेटेड ये कंसेप्ट है, GS पेपर नंबर 2 में आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रिसेंटली 2019 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हेल्ड किया फॉर्मल रेनबैक्सी प्रमोटर को गिल्टी ऑफ द कंटेंट ऑफ कोर्ट। ठीक है, कि उन्होंने वॉयलेट किया है ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कंटेंट ऑफ कोर्ट क्या है एंड कॉन्स्टिट्यूशन इसको कैसे डिफाइन करता है। सबसे पहले तो इट इज नॉट डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एज पर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, कंटेम्प्ट का मतलब है कोई भी ऐसा ऑफेंस करना जिससे जो कोर्ट है, जो जुडिशरी है, उसकी डिसरिस्पेक्ट हो, उसकी डिग्निटी पर हार्म हो या अथॉरिटी पर हार्म हो। ओके, एंड द एक्ट डिवाइड कंटेम्प्ट इनटू सिविल एंड क्रिमिनल। दो तरह के कंटेम्प्ट्स होते हैं, पहला है सिविल, दूसरा है क्रिमिनल। सिविल मतलब कि आप विलफुल डिसोबीडियंस दिखाओ किसी जजमेंट के लिए, किसी डिक्री डायरेक्शन ऑर्डर के लिए जो कि अभी रेनबैक्सी ने किया। ओके, एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट मतलब इफ एनी पब्लिकेशन विच मे रिजल्ट इन स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट बाय लोअरिंग इट्स अथॉरिटी। स्कैंडलाइजिंग मतलब कि आप कोई ऐसा बयान दे रहे हो जिससे जो जुडिशरी है उसका, लोगों के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है जुडिशरी के ऊपर, वो चीज
बहुत ज्यादा कम हो जाए, वो डिग्रेड हो जाए, इंटरफेरेंस दिखाई दे जुडिशियल प्रोसीडिंग में, या एक ऑब्स्ट्रक्शन आप क्रिएट करने की कोशिश करो विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये सब क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आते हैं। हाउएवर, इनोसेंट पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम मैटर, फेयर एंड रीजनेबल क्रिटिसिज्म ऑफ जुडिशियल एक्ट एंड कमेंट ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ऑफ जुडिशरी डू नॉट अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर आप एक हेल्दी कमेंट कर रहे हैं या एक हेल्दी, एक रीजनेबल क्रिटिसिज्म कर रहे हैं जुडिशरी या किसी भी अथॉरिटी का, दैट शुड ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज अ गुड कमेंट, वेयर एज आप उसको एक कंटेम्प्ट नहीं मान सकते हो। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की डेफिनेशन यहीं से ही हम लेते हैं। सो द एक्ट डिफाइन द पावर ऑफ कोर्ट टू पनिश फॉर देयर कंटेम्प्ट एंड रेगुलेट देयर प्रोसीजर, कि कैसे कैसे प्रोसीजर होगा। 2006 में इसको अमेंड किया गया था एंड इट इंक्लूडेड डिफेंस ऑफ ट्रूथ अंडर सेक्शन 13, इंप्लाइंग दैट कोर्ट मस्ट परमिट जस्टिफिकेशन बाय ट्रूथ एज अ वैलिड डिफेंस। ठीक है, डिफेंस की भी यहाँ पे प्रावधान है। पनिशमेंट फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों के पास पावर है कि वो पनिश कर सकते हैं। इधर की वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे दें फॉर टर्म अप टू 6 मंथ्स, और फाइन आपको 2000 और विद बोथ, मतलब दोनों भी हो सकते हैं। इन 1991 सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया दैट इट हैज द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट नॉट ओनली ऑफ इटसेल्फ बट आल्सो ऑफ हाई कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट, ट्राइब्यूनल फंक्शनिंग इन द एंटायर कंट्री। यानी ऐसा नहीं है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही कुछ ऐसा करते हो तो सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिस्डिक्शन से वहीं तक लाई करता है। सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिस्डिक्शन विद रिस्पेक्ट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज वेरी वाइड। It also extend to the High Court, Subordinate Court, Tribunals, okay, in the entire country. On the other hand, High Court have the special power to punish contempt of Subordinate Court, कि वो उनसे छोटे के भी and High Court से related भी contempt का देख सकते हैं। Now, need of contempt law क्या था? Purpose यही है कि uphold कर सके majesty and dignity of judiciary. देखिए, जो 3 parts हैं, judiciary, legislature and executive, these three play a very important role. When we talk about judiciary, judiciary is the backbone. ठीक है, अगर judiciary के ऊपर कोई भी नुकसान देखने को मिलता है या लोगों का विश्वास चला जाता है तो मतलब justice नहीं मिलेगा, एक ऐसी state आ जाएगी जहाँ पर justice नहीं prevail हो पाएगा and सबके अंदर एक तरह से एक निराशा रहेगी. And contempt power helps judges to do their duties of deciding cases without fear, favor, affection or ill will. ठीक है, कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 129, 142 क्लॉज 2, आर्टिकल 215, ये सब इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेट करते हैं। इशू विद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये है कि आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, एक जगह आपके पास राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, दूसरी जगह अगर आप कोर्ट के लिए कुछ ऐसा बोल जाते हो विच इज ऑफेंसिव टू द कोर्ट, कोर्ट आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रिगार्डिंग पनिशमेंट दे सकता है। तो इट लुक्स लाइक दे बोथ आर वेरी वेरी अगेंस्ट ईच अदर। ओके, तो ये चीज हमेशा रहती है। द लॉ इज वेरी सब्जेक्टिव विच मे बी यूज बाय द जुडिशरी आर्बिट्ररी। ऐसा भी हो सकता है कि जुडिशरी इसको आर्बिट्ररी यूज कर ले एंड लोगों का क्रिटिसिज्म चालू हो जाए। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज अ वेरी डिबेटेबल इशू, आपको इसकी लीगैलिटी पता होनी चाहिए कि कहाँ से इसको डिराइव किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज ओपेक प्लस। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जीएस पेपर 2 से लेट करता हुआ। IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज प्लस ओपेक प्लस, देख सकते हैं 2019 में बताया गया कि उनको एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिलेगा डिमांड में ऑफ क्रूड ऑयल, क्योंकि क्रूड ऑयल प्रोडक्शन और सब कंट्रीज ने बढ़ा दिया है, जैसे यूएसए, नॉर्वे, गुआना। जो नॉन ओपेक कंट्रीज हैं जो कि एक्सपोर्ट करती हैं क्रूड ऑयल को, उनको हम ओपेक प्लस कंट्रीज कहते हैं, जैसे अजरबैजान, बहरान, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया एंड मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान। ओके, इन सबको कहते हैं। ये आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर ओपेक मेंबरशिप 2019, ये सब ओपेक कंट्रीज हैं। आगे भी हम ओपेक कंट्रीज के बारे में देखेंगे। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि परमानेंट है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। बगदाद कॉन्फ्रेंस 1960 के द्वारा ये बनाया गया था बाय ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। इट एम्स टू मैनेज द सप्लाई ऑफ ऑयल इन एन एफर्ट टू सेट द प्राइसेस ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड मार्केट, क्योंकि ये मेजरली एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं। ठीक है,
जो कि ऑयल को एक्सपोर्ट करती हैं, तो ये एक तरह से बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं कि कैसे मैनेज किया जाए सप्लाई ऑफ ऑयल एंड प्राइसेस को देखा जाए कि कोई फ्लक्चुएशंस नहीं हो एंड इकोनॉमीज ज़्यादा इससे परेशान नहीं हो, ठीक है, और उनके साथ मतलब एक एक बैलेंस बना रहे। इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन वेना ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया, वेना ऑस्ट्रिया, ओके। एंड ओपेक मेंबरशिप इज ओपन टू एनी कंट्री दैट इज सब्सटैंशियल एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल। अगर आप एक सब्सटैंशियल एक एक्सपोर्टर हैं ऑयल के, तो आप इसकी मेंबरशिप के लिए ओपन हैं। एंड गेबन टर्मिनेटेड इट्स मेंबरशिप इन जनवरी 1995, हाउएवर इट रिजॉइन इन, ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, 2019 में 14 मेंबर कंट्रीज इसका पार्ट हैं, जैसे ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, सऊदी अरेबिया, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गेबॉन, इक्वेटोरियल गुआना एंड रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एंगोला, एक्वाडोर, वेनेजुएला आदर मेंबर्स ऑफ ओपेक। अब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्या है? ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्क करती है कि इंश्योर किया जाए रिलायबल, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी को। इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस के अंदर है। इसके मेन चार एरियाज हैं जहाँ पे इसका फोकस रहता है। एक है एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट वर्ल्ड वाइड, ठीक है। एंड इंडिया इसका एक एसोसिएट मेंबर है। ये चीज़ आप याद रखना कि इंडिया इज एन एसोसिएट मेंबर। मैक्सिको ऑफिशियली बिकेम द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी 30th मेंबर इन फेब्रवरी 2018, ठीक है। तो मैक्सिको 2018 के अंदर इसका मेंबर बना था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज आईने अकबरी, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपने अकबर जी के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, आपकी हिस्ट्री की बुक्स में है, तो आपने आईने अकबरी के बारे में ज़रूर सुना होगा। आईने अकबरी 16th सेंचुरी डॉक्यूमेंट है जिसको अबुल फजल ने पर्शियन लैंग्वेज के अंदर लिखा था एंड इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल एम्परर अकबर दिखाया गया है। बैकग्राउंड है बिगनिंग इन 1589, अबू फजल वर्क ऑन अकबर नामा फॉर 13 ईयर्स, ठीक है, 13 साल के लिए वो अकबर नामा के ऊपर काम करते रहे एंड उसके बाद उन्होंने अकबर नामा को 3 बुक्स में डिवाइड किया। फर्स्ट बुक जो है वो अकबर के जो एंसेस्टर्स हैं जैसे हुमायूं हो गए, उनसे डील करता है। द सेकेंड रिकॉर्डिंग द इवेंट्स ऑफ अकबर्स रिन, कि उन्होंने कैसे वर्क किया, क्या क्या उनकी वर्किंग स्टाइल था। थर्ड जो है, थर्ड इज आईने अकबरी, ठीक है, तो जो अकबर नामा है उसी के अंदर 3 पार्ट्स हैं। पहला है अकबर से एंसेस्टर्स से रिलेट करता हुआ, सेकेंड है अकबर के रिन से कनेक्ट करता हुआ एंड थर्ड इज आईने अकबरी। आईनी अकबरी के अंदर इन्होंने समझाया कि अकबर के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसा था, हाउस होल्ड, आर्मी, रेवेन्यू, ज्योग्राफी, ठीक है, ये सब चीज़ें कैसी थी, वहाँ पे लोग कैसा ट्रेडिशन, कैसा कल्चर फॉलो करते थे। एंड यहाँ पे आपको स्टैटिस्टिक्स मिल जाएंगे, जैसे कौन कौन सी क्रॉप, प्राइजेस, वेजेस, रेवेन्यू, क्या क्या चीज़ें, बेसिकली हर एडमिनिस्ट्रेशन का हर चीज़ आपको आईनी अकबरी के अंदर मिल जाएगा। इन अर्ली 20th सेंचुरी अकबर नामा वॉज ट्रांसलेटेड इन टू इंग्लिश बाय हेनरी बेवरेज, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट नेम हेनरी बेवरेज, इन्होंने इंग्लिश के अंदर इसको ट्रांसलेट किया। अदर लिटरेरी वर्क ड्यूरिंग अकबर रेंस, ये आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि आपको बहुत ज़्यादा सहायता देगी। मुंतखब उल तवारीख, ठीक है, ऑल्सो नोन एज तारीख ही बिदुनी, इसको अब्दुल कादिर बदौनी ने लिखा था। एंड कबाकत ई अकबरी नजामुद्दीन, तकमिला ई अकबर नामा इनायतुल्ला, सुर सागर रिटन बाय ब्रिज, रिटन इन ब्रिज भाषा इज रिटन बाय सूदास, एंड रामचरित्र मानस रिटन इन अवधी ईस्टर्न हिंदी डायलेक्ट बाय संत तुलसीदास। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि बीच में हम ऐड ऑन करते रहते हैं करंट अफेयर्स के, जिससे आपको और भी ज़्यादा कंफर्ट रहे। देखिए, यूपीएससी प्रिपरेशन में इट्स नॉट अबाउट रीडिंग करंट अफेयर्स फॉर द सेक ऑफ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपके और सब्जेक्ट से डिफरेंट नहीं है। आप कहीं ना कहीं ये देखेंगे कि करंट अफेयर्स किसी ना किसी सब्जेक्ट से कलेक्टेड होता है। जैसे अभी हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पढ़ा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज योर पॉलिटिकल कंसेप्ट एंड इट इज रिलेटेड टू जीएस पेपर नंबर 2, तो आपके लिए मेंस एज वेल एज प्रिलिम्स प्रैक्टिस से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि व्हाट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सिमिलरली आईने अकबरी आपको अपने हिस्ट्री बुक्स में मिल जाएगा, ठीक है, बेसिकली मेडिवल हिस्ट्री में आपको मिल जाएगा, तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स। इसलिए हम ऐसी चीजों को एड ऑन करते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं या जैसे भी आपको कंफर्ट हो आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं वाटर क्वालिटी रिपोर्ट के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने रिलीज किया वाटर क्वालिटी रिपोर्ट फॉर स्टेट कैपिटल एंड दिल्ली, एनालाइज्ड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS, ठीक है, तो
ये आई रिपोर्ट एंड इसने फोकस किया क्वालिटी ऑफ पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर एंड रैंक किया स्टेट्स को, सिटीज को, डिस्ट्रिक्ट को अकॉर्डिंगली कि कैसा वहाँ पर पानी मिल रहा है. एंड ये जो स्टडी था इट वॉज इन लाइन विद जल जीवन मिशन एंड विच एम्स टू प्रोवाइड टैप वाटर टू ऑल द हाउस होल्ड बाई 2024. कि 2024 तक सबको वाटर अवेलेबिलिटी हो जाएगी. ऐसा नहीं होगा देश में कि किसी के लिए को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है. ठीक है, ये इसका बेसिकली मिशन है. की पॉइंटर्स ये थे कि टेस्ट वर कंडक्टेड ऑन वेरियस पैरामीटर्स. ये सब पैरामीटर्स थे बेसिकली. केमिकल टेस्ट हुआ, टॉक्सिक सब्सटेंसेस कितनी हैं, बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट हुए, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स कितने हैं, टर्बिडिटी, देन ऑर्गेनोलेप्टिक एंड फिजिकल टेस्ट हुआ, टोटल हार्डनेस, टोटल एल्कलिनिटी, मिनरल्स एंड मेटल्स, प्रेजेंस ऑफ कॉलीफॉर्म एंड ईकोलाई. ठीक है, इन सब जरियों के द्वारा ये चीज़ के आइडेंटिफाई किया गया कि कैसा वाटर है वहाँ पर, पीने लायक है या नहीं है. A vast majority of samples have failed to comply with the requirement. Tap water in Mumbai is the safest for drinking, while Delhi का बहुत ही ज़्यादा खराब है. Delhi का ये जो जब चेकअप हुआ, इन्होंने जनपद के एरिया में भी किया जहाँ पर काफ़ी सारे डिग्नेटरीज रहते हैं. ठीक है, वहाँ पर भी इवन द वाटर वॉज नॉट सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग. तो आप दिल्ली का हालत देख सकते हैं. अभी जो लॉकडाउन चल रहा है इसके बाद तो ये देखने को मिल रहा है कि इवन गंगा का वाटर पहली बार ऐसा इतने सालों में देखने को मिला है कि वो ड्रिंकिंग वाटर के लेवल पर आ गया. मतलब आप उसको पी सकते हो, उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज थी वो सारी ठीक हो गई हैं. तो इस लॉकडाउन में ये देखने को मिल रहा है दैट इन्वायरमेंट इज रिजुविनेटिंग इटसेल्फ. इट इज ट्राइंग टू अगेन बी दैट गुड. ठीक है, तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही हैं. चैलेंजेस हैं लैक ऑफ इनिशिएटिव इन टैप वाटर सिस्टम. ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं है, डिपेंडेंस है ग्राउंड वाटर का लोगों के ऊपर. काफ़ी सारे लोग अपने घर में बोरिंग लगवा देते हैं विच इज़ इलीगल इन मैनी ऑफ द स्टेट्स. बट उनको क्योंकि वाटर अवेलेबल नहीं होता, सो दे फील कि शायद यही एक जरिया है. अकाउंटेबिलिटी नहीं है ऑफिशियल एजेंसीज की एंड रोबस्ट डेटा इन पब्लिक डोमेन ऑन क्वालिटी टेस्टिंग ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है. एंड वे फॉरवर्ड यही है कि लीगली बाइंडिंग हो एजेंसीज के ऊपर कि वो कंज्यूमर्स को एक एम्पावरमेंट दें, बताएं उनको कि वो कैसी जगह रह रहे हैं. एंड वो एक अगर वो किसी जगह रहना चाह रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि उस एरिया में कैसी फैसिलिटीज प्रोवाइडेड हैं. एंड वाटर इज समथिंग जो कि एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए. तो ये कुछ वे फॉरवर्ड्स हैं, ये आपको मेंस में सहायता दे सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं, विलिंगडन आइलैंड के बारे में डिस्कशन में लेते हैं. विलिंगडन आइलैंड एक सी पोर्ट है जो कि कोची केरला के अंदर है. ठीक है, ये आप देख सकते हैं कोची केरला के अंदर है. लार्जेस्ट मैनमेड आर्टिफिशियल आइलैंड है इंडिया का. एंड बैक वाटर्स यानी अ पार्ट ऑफ रिवर इन विच देयर इज लिटिल और नो करंट, उससे ये सराउंडेड है. इट इज कार्व्ड आउट ऑफ वेम्बनाड लेक. ठीक है, वेम्बनाड नेड से ये आया है. एंड आइलैंड इज कनेक्टेड टू द मेनलैंड वेंडरुथु ब्रिज. एंड मेजर कमर्शियल सेंट्रल है, होम है टू कोची नेवल बेस एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी यहाँ पर सिचुएटेड है. इट इज नेम्ड आफ्टर वाइसराय लॉर्ड विलिंगडन. ठीक है, तो आपके लिए ये मॉडर्न हिस्ट्री से भी रिलेट करता है कि लॉर्ड विलिंगडन से इसका नाम रखा गया है. विच वॉज क्रिएटेड आर्टिफिशियली इन 1936 की ट्रेड रूट जो है ब्रिटिशर्स के साथ, वो थोड़े से ब्रिटिश के बेसिकली रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ थोड़े इम्प्रूव हो सके. लॉर्ड विलिंगडन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 22nd वाइसराय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं. 1931 से 1936 के दौरान इन्होंने रूल किया. इम्पॉर्टेंट इवेंट एंड पीरियड इंक्लूड सेकेंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज इनके दौरान हुई. रीलॉन्चिंग ऑफ सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट हुआ. कम्युनल अवॉइड बाय रैमसे मैकडोनाल्ड, पूना पैक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया. तो ये चीज़ आपकी मॉडर्न इंडिया से रिलेट करती है कि लॉर्ड विलिंगडन के टाइम पे क्या क्या चीज़ें हुई थी. तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. चलिए आगे बढ़ते हैं, मादे रिवर के बारे में डिस्कशन में लेते हैं. मादे रिवर गोवा एंड कर्नाटका का लॉन्ग डिस्प्यूट इसमें चला आ रहा है. बहुत सालों से हम देख रहे हैं वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट चला आ रहा है कि हम ले लेंगे पानी या हम ले लेंगे. ठीक है, ये उनके बीच में चलता रहता है. मादई या मादई रिवर वेस्ट फ्लोइंग रिवर है एंड ओरिजिनेट करती है भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से विच इज इन कर्नाटका. एंड एक रेन फेड रिवर है, इसलिए इसको मंदोवी भी कहते हैं गोवा के अंदर. इट इज जॉइंड बाय नंबर ऑफ स्ट्रीम्स टू फॉर्म मंदोवी विच इज वन ऑफ द टू मेजर रिवर्स दैट फ्लो थ्रू गोवा. ओके, एंड
35 किलोमीटर ये कर्नाटका के अंदर है, 82 किलोमीटर है ये गोवा के अंदर है बिफोर ज्वाइनिंग द अरेबियन सी। तो यानी गोवा के अंदर इसका, तो ये ओरिजिनेट कर्नाटका के अंदर करती है बट गोवा के अंदर इसका एरिया ज्यादा है। ओके एंड कालासा बंदूरी नाला प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा आप डिस्कशन में ले लेते हैं हम। और आपको पता होना चाहिए कि इट इज अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, जिससे जो वाटर ड्रिंकिंग सप्लाई है वो और भी ज्यादा इम्प्रूव हो जाए भेलागवी धारवाड़ एंड गडर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये इन्वॉल्व करता है बिल्डिंग अक्रॉस कालासा बंदूरी टू ट्रिब्यूटरीज ऑफ मादई रिवर, ठीक है, एंड माला प्रभा रिवर सप्लाईज द वाटर ड्रिंकिंग टू धारवाड़ बेलगाम एंड गडंग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, बेलगाम इज इन गोवा। एंड कालासा बंदूरी प्रोजेक्ट जो है इट वॉज प्लान्ड इन 1989, गोवा रेज्ड एन ऑब्जेक्शन टू इट कि इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी एंड उसके वजह से भी काफ़ी सारे डिस्प्यूट देखने को मिले गोवा कर्नाटका एंड महाराष्ट्र के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारतीय पोषण कृषि कोष के बारे में डिस्कशन में ले लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया BPKK, दैट इज भारतीय पोषण कृषि कोष न्यू दिल्ली के अंदर। ये एक रिपोजिटरी ऑफ डाइवर्स क्रॉप अक्रॉस एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स इन इंडिया बनाने वाला है एंड कंट्री हैज बीन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 15 एग्रीकल्चरल रीजन्स। तो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में कंट्रीज को डिवाइड किया गया है, उसके बाद एक रिपोजिटरी बनाई जाएगी कि डिफरेंट डिफरेंट जगह से ये चीज़ें अच्छे से प्रिजर्व करी जा सके, ठीक है। एग्रो क्लाइमेटिक फीचर, सॉइल टाइप, क्लाइमेट के बेसिस पर, टेम्परेचर के बेसिस पर, रेनफॉल के बेसिस पर, ये सब बाइफरगेट किए गए हैं। ड्यूरिंग द लॉन्च इवेंट द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया MS स्वामीनाथन, देखिए ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, MS स्वामीनाथन ने सामने रखे थे 5 पॉइंट इन एक्शंस दैट शुड बी टेकन फॉर मेकिंग इंडिया न्यूट्रिशन सिक्योर। तो पहला था इंश्योर कैलोरी रिच डाइट फॉर वुमेन एक्सपेक्टेंट मदर एंड चिल्ड्रन, कि वुमेन मदर एंड चिल्ड्रन को एक एक इंश्योर किया जाए कैलोरी डाइट, इंश्योर इनटेक ऑफ प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस कि जिससे कोई भी हंगर नहीं हो वुमेन एज वेल एज बच्चों के अंदर, एरिडिकेट हिडन हंगर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, आयरन, जिंक, ये एक कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी अगर मात्रा कम हो जाती है बॉडी के अंदर तो इट इज हार्ड फॉर अस टू अगेन रीफिल इट, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आप एक एक अश्योरिटी रखो कि आप इनको अपने डेली खाने में ले रहे हो। इंश्योर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड स्प्रेडिंग न्यूट्रिशन लिटरेसी इन एवरी विलेज पर्टिकुलरली इन मदर विद चिल्ड्रन लेस देन 100 डेज ओल्ड, ठीक है। एंड 5 पॉइंट एक्शन प्रोग्राम अलाइन करता है डिफरेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी कि SDG 2 जीरो हंगर, SDG 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग, SDG 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज किम्बरले प्रोसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो थोड़ा सा ओल्ड कंसेप्ट है, 2019 में बहुत ज़्यादा डिस्कशन में था बट आपके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम आई है 2019 में और इंडिया ने इसको होस्ट किया बेसिकली न्यू दिल्ली के अंदर एंड इंडिया हैज़ बीन एक्टिवली इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ किम्बरले प्रोसेस, जो कि बेसिकली जो कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स होते हैं उनके लिए वर्क करती है, ठीक है। एंड इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल इन ट्रेड ऑफ डायमंड्स विच इज इंश्योर दैट 99.8% ऑफ द डायमंड्स इन द वर्ल्ड आर कॉन्फ्लिक्ट फ्री, ठीक है। तो इसके लिए हम वर्क कर रहे हैं। द किम्बरले प्रोसेस इज अ कमिटमेंट कि हम ये जो कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स हैं इनको सप्लाई चेन से हटा देंगे, डिमांड चेन से हटा देंगे। एंड जो कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स होते हैं मतलब वो रफ डायमंड्स दैट आर यूज फॉर रिबेल मोमेंट्स एंड उनसे फाइनेंस किया जाता है कॉन्फ्लिक्ट, टेरर, इन सब चीज़ों को। एंड करेंटली इंडिया एक्सपोर्ट्स अराउंड $24 बिलियन वर्थ कट एंड पॉलिश डायमंड विच इज एक्सपेक्टेड टू रीच एन एक्सपोर्ट टारगेट ऑफ $1 ट्रिलियन इन द अपकमिंग ईयर्स। मतलब हमारे देश काफ़ी ज़्यादा इनका एक्सपोर्ट करता है डायमंड्स का, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हमें कंट्रीब्यूशन दें। द इम्पॉर्टेंस ऑफ KPCS इज इमेंस टू इंडिया एज मोर देन 1 मिलियन पीपल आर डायरेक्टली एम्प्लॉयड, काफ़ी सारे लोग इस सेक्टर में एम्प्लॉयड भी हैं। ये जो किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम है ये 1st of January 2003 से इफेक्ट में आया एंड इसे यही था कि स्टॉप हो सके ट्रेड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डायमंड। इंडिया इसका वन ऑफ द फाउंडिंग मेम्बर है इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है।
जॉइंट इनिशिएटिव है जो कि इंक्लूड करता है गवर्नमेंट, इंटरनेशनल डायमंड इंडस्ट्री, सिविल सोसाइटी, इन सबको, एंड डिस्क्राइब करता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन कि वो ऐसा कुछ भी टेरर अटैक एंड ये सब चीज़ें, बेसिकली जो वर्ल्ड वाइड सिक्योरिटी है उसको एंश्योर रखा जाए, ये चीज़ें देखते हैं। एट प्रेजेंट जो KPCS है उसमें 55 मेंबर्स हैं रिप्रेजेंटिंग 82 कंट्रीज, ठीक है, इंक्लूडिंग EU एंड 28 मेंबर्स। तो ये बहुत अच्छी बात है, एक बड़ा एक ये प्रोसेस है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड 2003 से ही इंडिया बहुत ज़्यादा एक्टिवली इसके अंदर वर्क कर रहा है, तो हमारे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी अगली टॉप स्कीम की तरफ। ये वो वाली टॉप स्कीम नहीं है जो आप समझ रहे हैं, टोमेटो अनियन पोटैटो, ये वो वाली नहीं है। इट इज टारगेट ओलंपिक पोडियम। ओके, तो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम फॉर्मुलेटेड इन 2014 नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड विद द एम टू आइडेंटिफाई, ग्रूम एंड प्रिपेयर पोटेंशियल मेडल प्रोस्पेक्ट फॉर द ओलंपिक एंड पैरालंपिक गेम्स, की जो लोग हैं उनको और भी ज़्यादा एनकरेज करा जाए कि वो देश के वो रिप्रेजेंट करें, मेडल्स लेकर आए, ओलंपिक में जाएं, पैरालंपिक गेम्स में जाएं। ओके, हाई प्रायोरिटी कैटेगरी हैज़ बीन क्रिएटेड टू पुट फोकस ऑन दोज स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स प्लेड इन द ओलंपिक्स इन विच इंडिया हैज़ वॉन मेडल्स, ठीक है, पहले हम मेडल्स जीत चुके हैं उन पे भी एक फोकस रखा जाएगा, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में। 9 स्पोर्ट डिसिप्लिन्स हैं अभी, एथलेटिक, बैडमिंटन, हॉकी, शूटिंग, टेनिस, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, आर्चरी, बॉक्सिंग, ठीक है, ये सब हाई प्रायोरिटी के अंदर आते हैं। द नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड जो है ये नवंबर 1998 में बनाया गया था अंडर चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट 1890 विद द एम टू प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट एंड गेम्स इन द कंट्री, कि और भी ज़्यादा लोग इसके एम्बिट के अंदर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में डिस्कशन में लेते हैं। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ये आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, ये सारे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं। तो गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है डेवलपमेंट ऑफ 5 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स प्रोजेक्ट विच विल बी इंप्लीमेंटेड थ्रू NICDIT, दैट इज नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट। ये एक एपेक्स बॉडी है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रखती है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, दैट इज DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर वर्क करती है। एंड ये अब बनाने वाली है 5 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स इन इंडिया। 2017 में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट फंड रीडिजाइन किया गया था एज नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट। एंड ये सपोर्ट करता है प्रोजेक्ट्स को, ये भी जितनी भी जो कॉरिडोर्स बनाने वाले या कनेक्टिविटी को बनाने वाले होते हैं इनको ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं दिल्ली मेट्रो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, चेन्नई बेंगलुरु, देन ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड विजाग चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बेंगलुरु मुंबई कॉरिडोर, ये सारे वो कॉरिडोर हैं, ये सब वो स्टेट्स हैं। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखना। ये जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं ये इफेक्टिव इंटीग्रेशन प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का, ठीक है, कि इंडस्ट्रीज के थ्रू भी आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, कंट्री को आगे बढ़ा सकते हैं। इट इंक्लूड हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, चाहे वो रेल के थ्रू हो, रोड के थ्रू हो, पोर्ट्स का डेवलपमेंट, मॉडर्न एयरपोर्ट्स का फॉर्मेशन, इंडस्ट्रियल एरियाज फॉर्म करना, लॉजिस्टिक पार्क्स बनाना, नॉलेज पार्क्स बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना कि यहाँ पे रियल एस्टेट स्टैब्लिश हो पाए, तो ये सब इसके काम है। 5 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स आर स्प्रेड अक्रॉस इंडिया विद अ स्ट्रेटेजिक फोकस ऑन इंक्लूसिव डेवलपमेंट टू बूस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड प्लान्ड अर्बनाइजेशन, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में डिस्कशन में लेते हैं। द यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने इन्फॉर्म किया अबाउट सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इन लोकसभा 2019 के विंटर सेशन के अंदर। ये जो फंड है इसको स्टैब्लिश किया गया था 2000 में सेंट्रल रोड फंड एक्ट 2000 के द्वारा, ठीक है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, कौन सा फंड कैसे बना, किसके द्वारा बना। तो सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया सेंट्रल रोड फंड एक्ट 2000 के द्वारा। एंड ये जो फंड है ये कंप्राइज करता है सेस इम्पोज्ड अलॉन्ग विद एक्साइज ड्यूटी एंड पेट्रोल एंड डीजल, ठीक है, इसका भी पैसा इसमें इंक्लूड होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ CRIF जो है इट फॉल्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये जो एक्ट है इसके बारे में भी आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड किसके अंदर लाई करता है। ओके, चलिए बात करते हैं अबाउट टीयर गैस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ अ क्विक फैक्ट फॉर प्रिलिम्स।
the extensive use of tear gas by police in Hong Kong protest. देखिए हांगकांग में 2019 में अभी भी खैर जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं वो सब हमें देखने को मिल रहे हैं. एंड दिस प्रोटेस्ट इज अगेंस्ट द चाइनीज गवर्नमेंट. वो जो कि डेमोगोगिक चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं. दे आर ट्राइंग टू हैव अ कंट्रोल ओवर हांगकांग. उसके खिलाफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं. ओके, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया जिससे उनको शांत किया जा सके. तो इसकी यहाँ पर हम डिस्कशन में लेंगे कि टीयर गैस क्या होती है, टीयर गैस के क्या हेल्थ इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं. देखिए जो टीयर गैस है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैक्रिमेटर एंड ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेज दैट इरिटेट्स द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द आईज. ठीक है, आईज को बेसिकली एक इफेक्ट देते हैं. एंड एक्सटिंजिंग सेंसेशन, आपको टीयर्स आने फॉर्म हो जाते हैं एंड आपको इरिटेशन महसूस होगी रेस्पिरेटरी ट्रैक में, खांसी आने लगेगी, चोक महसूस होगा एंड आपकी फिजिकल वीकनेस आपको दिखने लगेगी. तो ये होता है टीयर गैस के थ्रू. अगर ज़्यादा टीयर गैस का इस्तेमाल किया जाए तो इससे क्या होगा, लोगों के बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है. इसके दो जो इफेक्ट्स हैं दे आर टेम्प्ररी एंड रिवर्सिबल, बट काफ़ी सारे केसेस में ये और भी ज़्यादा घातक एक 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 ले सकता है. ठीक है, एक फॉर्म ले सकता है. गैस मास्क विच एक्टिवेटेड चारकोल फिल्टर प्रोवाइड गुड प्रोटेक्शन अगेंस्ट देम. एंड वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पर इसको यूज़ किया गया था केमिकल वॉरफेयर के अंदर. एंड इफेक्ट्स इसके शॉर्ट लास्टिंग हैं एंड ज़्यादा इतने दिखने को नहीं मिलते, बट फिर भी अगर इसको यूज़ किया जा रहा है तो इसके बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं. एंड इसमें क्या क्या सब्सटेंसेज यूज होते हैं, मोस्टली यूज टीयर गैसेज आर सिंथेटिक ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड्स एंड ट्रू गैसेज नहीं होती है ये. तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. एंड आप इसको स्प्रे, फॉग जनरेटर्स, ग्रेनेड शेल्स, इन सब में यूज़ करते हैं. एंड अदर टीयर गैस इंक्लूड एलिरोसिन, कैप्सिकम एंड पेपर स्प्रे. ठीक है, ये सब एक तरह के टीयर गैस ही हैं. टाइप्स हैं द टू मोस्ट कॉमनली यूज टीयर गैसेज आर वन क्लोरोएसिटोफिनोन एंड जीरो क्लोरोबेंजालाइडीन मेलोनिट्राइली. ठीक है, तो ये दो तरीके के हैं जो कि ज़्यादातर यूज होते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज ग्रीन स्टील. ये आप देख सकते हैं ग्रीन स्टील विच रेफर्स टू स्टील मेकिंग प्रोसेस दैट लोअर्स ग्रीन हाउस गैस एमिशंस. ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप ऐसे स्टील फॉर्म कर रहे हो कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन कट हो रहा है, इम्प्रूव कर रहा है क्वालिटी ऑफ स्टील को. दिस कैन बी डन थ्रू यूजेज ऑफ गैस इन द प्लेस ऑफ कोल. ठीक है, कि आप गैस का इस्तेमाल कर रहे हो एंड रिसाइकल कर रहे हो स्टील को. द मूव टूवर्ड्स ग्रीन स्टील द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट इन ईस्टर्न इंडिया. ठीक है, ईस्टर्न इंडिया के अंदर ये लेकर आए. द गैस विल हेल्प इन रिप्लेसिंग कोल इन स्टील मेकिंग प्रोसेसेस एज अ यूजेज ऑफ कोल लीड टू लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस. चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज बोगेनविल. ठीक है, बोगेनविल इज अ प्लेस साउथ पैसिफिक आइलैंड के अंदर आपको दिख जाएगा ये प्लेस. एंड ये जो लोग हैं इन्होंने वोट किया फॉर रेफरेंडम टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम पेपुआ न्यू गुआना. ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले समझिए रेफरेंडम क्या होता है. देखिए रेफरेंडम एक डेमोक्रेटिक टूल है जिसके द्वारा जो लोग हैं वो किसी भी पर्टिकुलर इशू पर डायरेक्टली वोट कर सकते हैं. तो यहाँ पे बोगेनविल में ये वोटिंग हुई. ठीक है, एंड लोगों ने 98% ऑफ द लोगों ने एग्री किया थे दे वांट इंडिपेंडेंस फ्रॉम पेपुआ न्यू गुआना. तो आप समझ सकते हैं कि पेपुआ न्यू गुआना से अलग हो जाएगा बोगेनविल एंड इट विल बिकम अ न्यू कंट्री. ठीक है, एक नई कंट्री बनके ये उभर जाएगी. बैकग्राउंड ये है कि बोगेनविल करंटली अ प्रोविंस ऑफ पेपुआ न्यू गुआना, एक पॉपुलस पैसिफिक आइलैंड स्टेट है एंड इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ सोलोमन आइलैंड आर्किपेलागो. ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर है बोगेनविल एंड इट हैज पॉपुलेशन ऑफ ओवर 3 लाख पीपल, 21 डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज ग्रुप्स जहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी. एंड ये लोग चाहते थे कि इनको इंडिपेंडेंस मिल जाए. इन लेट 1970 एक डिसेंट्रलाइजेशन एक सिस्टम आया प्रोविंशियल गवर्नमेंट का बोगेनविल के अंदर एंड द करंट ऑटोनॉमी अरेंजमेंट वर इम्प्लीमेंटेड फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ बोगेनविल पीस एग्रीमेंट. ये जो एग्रीमेंट था ये 2001 में आया था जिसने एक ऑटोनॉमी लाया एंड एन एंड टू द वॉलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पीपल ऑफ बोगेनविल एंड गवर्नमेंट ऑफ पेपुआ न्यू गुआना. यही इनका डिस्प्यूट चल रहा है कि ये जो जगह है इट इज अ वेरी रिच इन रिसोर्स,
इट हैज लार्ज डिपॉजिट ऑफ कॉपर, इसलिए पेपुनी गुआना जो है वो इसको खोना नहीं चाहता है. एंड इस यहाँ पर आपको पेंगोना माइन, ठीक है, आपको दिख जाएगा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बोगनविल कॉपर माइन और सम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कॉपर यहीं पर है. ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन कट कॉपर माइन है यहाँ पर. द एक्सपोर्ट ऑफ कॉपर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेंगोना माइन कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू पेपुनी निगुआना इकोनॉमी, इसलिए पेपुनी निगुआना जो है वो इसको नहीं खोना चाहती थी, बट इन्होंने रेफरेंडम के थ्रू ये जता दिया कि दे वॉन्ट इंडिपेंडेंस, ये एक अलग कंट्री बनाना चाहते हैं. माइनिंग एक्टिविटीज ओवर द ईयर्स ऑल्सो कॉस्ट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ऑफ बोगनविल लैंड एंड वाटर. ठीक है, एंड यहाँ पर काफ़ी सारी डिग्रेडेशन उन्हें देखने को मिल रही थी, काफ़ी ज़्यादा परेशान थे वो, बट अब एक तरह से उन्होंने अपना ये डिसीजन ले लिया है दैट दे वॉन्ट इंडिपेंडेंस फ्रॉम दिस कंट्री एंड वो एक अलग एक इंडिपेंडेंट एक स्टेट बनाएंगे. एंड द रेफरेंडम इज पास्ड बाय इम्प्लीकेशन ऑफ द कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना. ठीक है, इन सब ने इसका सपोर्ट किया है. चलिए बात करते हैं अबाउट लिविंग रूट ब्रिजेस. ये आप देख सकते हैं द लिविंग रूट ब्रिजेस, हमारे देश के मेघालय के अंदर आपको ये मिल जाएंगे. ये जो ब्रिजेस हैं इनसे लोग इजीली एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं. एंड अमेजमेंट की बात ये है कि दीज आर लाइव रूट्स. ठीक है, ये रूट्स हैं अकॉर्डिंग टू द स्टडी पब्लिश इन जनरल साइंटिफिक रिपोर्ट्स. ये जो लिविंग रूट ब्रिजेस हैं दे कैन बी कंसिडर्ड एज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर फ्यूचर बोटानिकल आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट्स इन अर्बन कंटेक्स्ट, कि कैसे जो लाइव रूट्स हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज किया जा सकता है, आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट्स में यूज किया जा सकता है. ठीक है, ये जो ब्रिजेस हैं दे आर एरियल ब्रिजेस एंड बिल्ड बाय वीविंग एंड मैनिपुलेटिंग द रूट्स ऑफ इंडियन रबर ट्री, कि आप उनको मैनिपुलेट कर दो अपने तरीके से, उनको ग्रो करवाओ एंड वो उसी तरीके से फॉर्म हो जाएंगे. एंड ट्रेडिशनल ट्राइबल नॉलेज के थ्रू इनको फॉर्म किया जाता है एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. इट स्पैन्स बिटवीन 15 to 250 feet इन इज बिल्ड ओवर सेंचुरीज. ठीक है, सेंचुरी से बनाया जा रहा है एंड आपको हमारे देश में मेघालय में यानी नॉर्थ ईस्ट में ये मिल जाएंगे. ब्रिजेस आर प्राइमरली अ मीन्स ऑफ क्रॉस स्ट्रीम्स. ठीक है, कि आप रिवर के ऊपर अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरह इनको देखा जाता है. एंड कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स भी हैं जो कि बहुत फेमस हैं, जैसे रिवाई रूट ब्रिज, उमशियांग डबल डेकर ब्रिज. ठीक है, एंड थ्री मेन प्रॉपर्टीज हैं इसकी. पहले तो इलास्टिक है, ईजिली कंबाइन कर जाता है, रफ एंड रॉकी सॉइल भी ये फॉर्म कर सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज गोल्डन राइस. बांग्लादेश इज टू बी द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव गोल्डन राइस प्लांटिंग इन द कंट्री. ठीक है, वो प्लांटिंग करने लगे हैं इसकी बांग्लादेश. ये जो गोल्डन राइस है ये एक जीएम वैरायटी है, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड है, इसको मॉडिफाई किया गया है एंड इसको फिलीपींस बेस्ड इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया था. इट इज अ वैरायटी ऑफ राइस जिसमें विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी है अगर किसी को है तो वो इजीली इससे क्योर हो सकती है, बिकॉज इट फाइट्स अगेंस्ट द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए. एंड ये जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है इससे क्या होता है, आपकी आईज पे सबसे पहले इफेक्ट करता है, आपको ब्लाइंडनेस महसूस होगी एंड आपको इन्फेक्शन डिजीजेस जैसे मीजल्स भी हो सकती हैं, बट इसके थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें हमें क्योर होती हुई नजर आएंगी. ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगी देन द कन्वेंशनल वेराइटी एंड इसका जो प्रेजेंस है इसके अंदर आपको बीटा कैरेटिन पिगमेंट देखने को मिलेगा जिसकी वजह से इसका कलर गोल्डन है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ गोल्डन राइस. एंड जो कन्वेंशनल राइस होती है उसका लो इन द पिगमेंट होती है, उसमें बीटा कैरेटिन भी नहीं होता एंड विटामिन ए भी कम होता है, बट यहाँ पर विटामिन ए भरपूर है. कुछ चीज़ें जो आपको विटामिन ए के बारे में पता होनी चाहिए, साइंस से रिलेट करता है. विटामिन ए एक फैट सॉल्यूबल विटामिन है जो कि मेंटेन करता है हेल्दी विजन को, स्किन बोन्स को, अदर जितने भी टिश्यूज हैं उन सबको बॉडी के बाइंड करके रखता है. एंड अगर इसके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है या आपके अंदर डेफिशिएंसी है तो आपको ब्लाइंडनेस होगी, आपको रिस्क ज़्यादा है कि आपको थ्रोट, चेस्ट, एब्डोमेन एंड डिफरेंट डिफरेंट आपको इन्फेक्शन हो जाए, आपकी स्किन भी अच्छे से वर्क नहीं करेगी, फर्टिलिटी इशूज हो सकते हैं. एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन को तो सबसे पहले कोई भी अगर डेफिशिएंसी हो जाती है वो इफेक्ट करती है, तो उनके साथ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है. अब इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट है, 1960 में आया था, हेडक्वार्टर इसका लॉस बेनॉस फिलीपींस के अंदर है एंड इरी साउथ एशिया रीजनल सेंटर जो है इट इज़ इन वाराणसी उत्तर प्रदेश. ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. अब बात करते हैं द ट्रांसजेंडर पर्सन्स
प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल 2019 के बारे में। ये बिल हो गया है पास, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, आपको उनके बारे में पता होने चाहिए, बट बेसिकली आपको एक्ट्स के बारे में पता होने चाहिए कि ये चीज आ गई है। नाउ डेफिनेशन ऑफ अ ट्रांसजेंडर चेंज किया गया है इसके द्वारा। द बिल डिफाइंस अ ट्रांसजेंडर पर्सन एज वन दोज जेंडर डज नॉट मैच द जेंडर असाइंड एट बर्थ। ठीक है, उनका एट बर्थ डिसाइन नहीं होता। इसमें ट्रांसमैन, ट्रांसवुमेन, पर्सन, इंटरसेक्स वेरिएशन, जेंडर क्वीर्स, पर्सन विद सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी सच एज स्किनर, हिजरा, ये सब इंक्लूड होते हैं। आपने देखा होगा काफ़ी सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी अब अदर का ऑप्शन आने लग गया। ओके, तो सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी अ ट्रांसजेंडर पर्सन में हैव एन एप्लीकेशन टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो DM को एप्लीकेशन लिख सकते हैं एंड उसके बाद उनके जो जेंडर है उसको उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा एक आइडेंटिटी का दैट दे आर ट्रांसजेंडर्स। एंड प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन कि उनके खिलाफ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर, हर जगह उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले, उनको सारे राइट्स मिले जो कि एक ह्यूमन को मिलते हैं, ये बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ऑल्सो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उन तक पहुँचे। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि हेल्थ केयर फैसिलिटी एक पर्टिकुलर जेंडर को ही मिल रही है, उनको भी सारी चीज़ें, उनकी टेस्टिंग हो, उनको डायग्नोसिस, हर चीज़ प्रोवाइड हो। एंड इट स्टेट्स दैट ऑफेंसेज अगेंस्ट ट्रांसजेंडर पर्सन विल अट्रैक्ट इम्प्रिजनमेंट बिटवीन 6 months एंड 2 years। यानी अगर आप कैसे भी करके कोशिश करते हैं कि उनकी डिग्निटी पर हार्म हो या आप उनकी लाइफ को थ्रेट देने की कोशिश करते हैं या कुछ भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, आपको पनिशमेंट मिल सकती है। चलिए बात करते हैं करेंसी स्वैप अरेंजमेंट फॉर SAARC के बारे में। ठीक है, करेंसी स्वैप बहुत ज़्यादा रहा 2019 के अंदर। आपको पता होना चाहिए कि करेंसी स्वैप क्या होता है। ऑल्सो व्हाट इज SAARC, दैट इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिवाइज किया द फ्रेमवर्क ऑन करेंसी स्वैप एग्रीमेंट विद SAARC फॉर 2019-2022। तो इसलिए हम इसको डिस्कशन में लेंगे। SAARC करेंसी स्वैप फैसिलिटी जो है वो 15 नवंबर 2012 के अंदर आई थी। ये एक रिवाइज फ्रेमवर्क है। RBI will continue to offer a swap arrangement within overall corpus of USD 2 billion. Okay, जो swap draws can be made in US dollar, euro, Indian rupee, ठीक है, किसी भी form में हो सकता है। And the facility will be available to all SAARC members. जितने भी SAARC members हैं सबको आ जाएगा। तो आप समझिए कि करेंसी स्वैप अरेंजमेंट होता क्या है। स्वैप का मतलब होता है एक्सचेंज, यानी एक से दूसरी जगह। ठीक है, तो करेंसी स्वैप बिटवीन द टू कंट्री एक एग्रीमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक एक्सचेंज है, जिसके थ्रू जो करेंसीज होती हैं उनको आप प्री डिटरमाइंड जो टर्म्स होती हैं, कंडीशन होते हैं, उसके बेसिस पर स्वैप कर सकते हैं कि इस साल के लिए, इतने मंथ के लिए हम स्वैप कर रहे हैं, देन वी विल कम बैक टू द सेम कंडीशन। ऐसे करेंसी स्वैप एग्रीमेंट होते हैं। द सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट एंगेज इन करेंसी स्वैप विद फॉरेन काउंटर पार्ट्स के साथ करते हैं, जिससे वो शॉर्ट टर्म फॉरेन एक्सचेंज लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट जो है उनको वो डील कर सके एंड जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो क्राइसिस आ जाते हैं, प्रॉब्लम आ जाते हैं, उसको देख सके। एग्जाम्पल है इंडिया एंड जापान ने 2018 के अंदर किया बायलेटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। इंडिया जापान का जब कोई रिलेशन आ जाएगा या आपसे मेंस में पूछा जाएगा तो आपको ये चीज़ याद रहेगी कि 2018 में हमने बायलेटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया था। RBI विल गेट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ येन एंड बैंक ऑफ जापान विल गेट एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ इंडियन रुपीज ऑन डिसाइडेड स्वैप रेट्स। ठीक है, ऐसे होता है ये कि एक डिसाइड कर लिया आपने एंड इतनी करेंसी आपने उनको दे दी, इतनी करेंसी उन्होंने आपको दे दी। आफ्टर अ स्पेसिफाइड टाइम बोथ द कंट्री विल रीपे द अमाउंट फॉर द सेम स्वैप रेट, कि जितना स्वैप रेट है उसके बेसिस पर वो उसको एक्सचेंज कर लेंगे। अब SAARC क्या है? SAARC एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन ढाका, बांग्लादेश। 1985 में बनी थी। 8 मेंबर हैं इसके, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ओके, सेक्रेटेरिएट इसका काठमांडू, नेपाल के अंदर है। ऑब्जेक्टिव है कि वेलफेयर ऑफ द पीपल इन साउथ एशिया ये इंश्योर कर सके, उनकी क्वालिटी की जो लाइफ है उसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑटोमेटिव मिशन प्लान को डिस्कशन में लेते हैं 2016-2026। ऑटोनॉमस मिशन प्लान जो है वो एक कलेक्टिव विजन है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडिया ऑटोमेटिव इंडस्ट्री का। ओके, जिससे वो डेवलप कर सके इंडस्ट्रीज को अच्छे से, इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उसको हम और भी ज़्यादा फ्लरिश करवा सके, इम्प्रूव करवा सके। ये प्रोवाइड करता है विजन फॉर
व्हीकल्स, ऑटो कंपोनेंट्स, ट्रैक्टर इंडस्ट्री, ठीक है, कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में उनका जो टर्म ऑफ साइज है, कंट्रीब्यूशन टू इंडिया GDP है, वो रेज हो जाए. एंड ये एक जो टाइमलाइन है, इट हैज़ बीन सक्सेसफुल विच मेड इंडिया नॉट ओनली एन ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसिंग हब बट ऑल्सो डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट हब. तो यानी इंडिया में ये बहुत अच्छे से वर्क किया है. इंडिया आता है अमंग टॉप 3 ऑफ द वर्ल्ड इन इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट ऑफ व्हीकल्स. ओके, एंड इट कंट्रीब्यूट टू ओवर 12% ऑफ इंडिया GDP, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. ऑल्सो 65 मिलियन जॉब्स ये जनरेट करता है, बहुत सारे लोग इसके थ्रू एम्प्लॉयड हैं. इससे क्या ऑब्जेक्टिव होगा, बूस्ट हो पाएगी मैन्युफैक्चरिंग, एम्प्लॉयमेंट आ पाएगी एंड देश की जो GDP है वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो पाएगी एंड मोबिलिटी इंक्रीज हो पाएगी. क्योंकि हम इतना ज़्यादा अगर किसी चीज़ में टाइम इंडल्ज कर रहे हैं, अपनी इनोवेशन इंडल्ज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका फ़ायदा तो मिलेगा ही एंड एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे हम. ये हमारी जो एक्सपोर्ट की कैपेबिलिटी है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा. चलिए बात करते हैं अबाउट न्यू स्टार्ट ट्रीटी. ये जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है, इट वॉज बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड रशियन फेडरेशन, जिससे वो रिडक्शन एंड लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स लेकर आ सके. ठीक है, ये आया था 5 फरवरी 2011 के अंदर, बट अब ये देखने को मिल रहा है कि USA doesn't want to continue it further. It continues the bipartisan process of viability of reducing US and Russian strategic nuclear arsenal by limiting both sides to 700 strategic launchers and 1,550 operational warfare. कि एक लिमिट लगा दिए कि हम इतना ही रखेंगे जिससे आगे कोई फर्दर जो लड़ाई है या कोई टसल नहीं दिख पाए. देखिए, हिस्ट्री गवाह है कि US एंड USSR में काफ़ी सारे डिफरेंसेस रहे हैं. वर्ल्ड वॉर में आपको ये चीज़ देखने को मिली है, कोल्ड वॉर में आपको ये चीज़ देखने को मिली है. तो ये जो टसल है ये आगे रेज नहीं हो, इसलिए ये चीज़ें लेकर आए. इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी भी आई थी, विच वॉज साइन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, जिससे जो न्यूक्लियर आर्म कंट्रोल है उसको हम देख सकें. एंड टू नेशन एग्रीड टू एलिमिनेट देयर स्टॉक एक्सचेंजेस, ठीक है, देयर स्टॉक ऑफ इंटरमीडिएट रेंज शॉर्ट रेंज एक्सचेंजेस, जो कि मिसाइल्स के होते हैं. एंड द यूनाइटेड स्टेट्स विड्रू फ्रॉम ट्रीटी ऑन 2 अगस्त 2019. तो देखने को मिल रहा है कि जो USA है वो ऐसी ट्रीटियों से बाहर निकल रहा है, वो काफ़ी सारी चीज़ों से बाहर निकल गए हैं, बिलीविंग दैट मेकिंग अमेरिका ग्रेट इज आर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव. एंड दे बिलीव कि ऐसी कोई भी चीज़ जहाँ पे USA को ज़्यादा देना पड़ रहा है एंड USA का बेनिफिट नहीं है, वो उसके अंदर एंगेज नहीं रहेंगे. द स्ट्रम स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स अप्लाइज टू न्यूक्लियर वॉरहेड्स, ठीक है, जितने भी जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स होती हैं, मिसाइल्स होते हैं, बॉम्बिंग हो गई, क्रूज मिसाइल्स, ये सब इसमें इंक्लूड होता है. बात करते हैं अबाउट अट्टापक्का बर्ड सेंचुरी. ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत बर्ड है. दिस बिलोंग्स टू द अट्टापक्का बर्ड सेंचुरी विच इज़ इन कलोरू लेक में आपको देखने को मिल जाएगा. एंड इट हैज़ बिकम द सेफ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर 2 माइग्रेटरी स्पीशीज, जिनको हम ग्रे पेलिकन एंड पेंटेड स्टॉर्क्स कहते हैं. ठीक है, ये जो वाटर लेवल है कलोरू लेक का, which include Attapakka Sanctuary, is posting a slight challenge for the boats to hunt their prey in the deep waters. थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होती है, बट फिर भी ये एक सेफर जगह है. ये जो टू बर्ड्स हैं ये नियर थ्रेटेंड स्पीशीज़ हैं, यानी हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज़ के अंदर हैं. कलोरू लेक के बारे में आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि इट इज़ लोकेटेड बिटवीन डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर इन आंध्र प्रदेश. ठीक है, आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएंगे. लेक जो है वो एक नेचुरल ब्लड बैलेंसिंग रिजर्वायर है 2 रिवर्स का. ठीक है, एंड इम्पॉर्टेंट हैबिटेट है फॉर 20 मिलियन रेजिडेंट एंड माइग्रेटरी बर्ड्स. तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1999 इसको बेसिकली नोटिफाई किया गया था अंडर इंडियाज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड इसको वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस इन 2002 डिक्लेयर किया गया बाय रामसार साइट्स. चलिए बात करते हैं अबाउट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लैंडस्लाइड रिस्क रिडक्शन एंड रेजिलियंस. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट NIDM ने ऑर्गेनाइज किया फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लैंडस्लाइड रिस्क रिडक्शन एंड रेजिलियंस 28 नवंबर 2019 न्यू दिल्ली के अंदर. ठीक है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये किस लिए आया. एम इसका ये है कि जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनको एज वेल एज एक्सपर्ट्स हैं जो कि डिस्कस कर सकें, डिबेट कर सकें, यूज़फुल नॉलेज लेकर आ सकें. ठीक है,
वो एक लैंडस्लाइड रिस्क रिडक्शन जो है उसमें सहायता करें, उसमें कंट्रीब्यूशन करें, ठीक है, यही इसका मेन एक जरिया है. अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 NIDM हैज बीन असाइंड नोडल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग, रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन, की आप इन सब चीजों पर ध्यान दे पाओ. देखिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से कि लैंडस्लाइड क्या होता है. लैंडस्लाइड बेसिकली एक मूवमेंट है, एक मास मूवमेंट है रॉक, डेब्रिस, अर्थ डाउन, अ स्लोप, इन सब चीजों का, ठीक है, एंड इट्स अ टाइप ऑफ मास वास्टिंग, ठीक है, जिसके थ्रू एक डाउन स्लोप मूवमेंट देखने को मिलता है सॉइल का, रॉक का, विच इज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ऑफकोर्स. एंड सेवरल थिंग्स कैन ट्रिगर लैंडस्लाइड, जैसे लैंड अगर इरोजन हो जाए, सॉइल इरोजन होता है, तो उससे बहुत ज्यादा एक ससेप्टेबिलिटी हो जाती है कि आपको लैंडस्लाइड हो जाए, ठीक है. एंड लॉस ड्यू टू लैंडस्लाइड क्या है कि काफ़ी सारी जो जगह है वो अनफर्टाइल हो जाती हैं, वहाँ से जो सॉइल होती है वो डिस्प्लेट कर जाती है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं. कॉन्टिनेंट वाइज भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, काफ़ी सारे डैमेज देखने को मिलते हैं. एंड इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टेड बाय लैंडस्लाइड, तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों के बारे में सोचें. चलिए बात करते हैं अबाउट यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एक्सेलरेटर लैब के बारे में. इसको लॉन्च किया गया इंडिया के अंदर. द प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट्स अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है, एंड इसके द्वारा हम क्या एक इनोवेटिव सॉल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एयर पॉल्यूशन, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, क्लाइंट रेजिलिएंट लाइवलीहुड एंड एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकें. इंसानों ने जो हार्म पहुंचाया इन्वायरमेंट को, उसको हम फिर से ठीक कर सकें, इसके द्वारा हम ये कोशिश कर रहे हैं. द विजन इज टू मेक फास्टर प्रोसेस इन मीटिंग द एम्बिशियस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ UN बाय 2030. ये जो है ये एक न्यू इनिशिएटिव है UNDP का, स्टेट ऑफ कतर एंड फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी का, ठीक है, कि जिससे जो ये जो कॉम्प्लेक्स ये जो चैलेंजेस हैं इनको हम सॉल्व कर सकें. एंड इससे क्या होगा, इट विल बी अ पार्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ 60 ग्लोबल लैब्स कवरिंग 78 कंट्रीज. And this lab will identify grassroots solution together with local actors. अटल इनोवेशन की बात करें, ये एक फ्लैगशिप नेशनल इनोवेशन इनिशिएटिव है. इसको हम कई बार डिस्कशन में ले चुके हैं अंडर नीति आयोग. एंड इट एम्स टू प्रमोट अ कल्चरल इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप. UNDP की बात करें, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूनाइटेड नेशन का ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क है, जो कि प्रोवाइड करता है एक्सपोर्ट एडवाइस, ट्रेनिंग, इन सब चीज़ों के मामले में विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट, ठीक है, कि आप प्रोटेक्शन कर सको, डेवलपमेंट ला सको. एंड इंडियाज कंट्री प्रोग्राम फॉर 2018-2020 हैज़ मेजर थ्री फोकस कि हम इंक्लूसिव लोग ग्रोथ लेकर आए अपनी कंट्री के अंदर, जो पॉवर्टी रिडक्शन है उस पर ध्यान दें, एजुकेशन सिस्टम बढ़ाएं, इन्वायरमेंट एंड एनर्जी देखें, स्ट्रेंथनिंग सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन कंट्रीज, यही हमारा एक बेसिक मोटो है. चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज शैडो बैंकिंग. आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इट्स अ क्विक फैक्ट फॉर प्रिलिम. शैडो बैंकिंग एक टर्म है जो कि बैंक लाइक एक्टिविटीज मेनली लेंडिंग दैट टेक प्लेस आउटसाइड द ट्रेडिशनल बैंकिंग सेक्टर उसको डील करता है, ठीक है. शैडो बैंकिंग आपने देखा होगा, काफ़ी सारे लोग की बैंक में जाएंगे, बहुत सारे पेपर वर्क करना पड़ेगा तभी हमें लोन मिल पाएगा. इसके अलावा क्या करते हैं, जो कि काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कि इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं, जो कि फाइनेंसिंग का काम करते हैं, इनके साथ इंक्लूड हो जाते हैं. दे आर बेसिकली कॉल्ड एज समवेयर शैडो बैंकिंग एंड इट रेफर्स टू अ नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन एंड मार्केट बेस्ड फिनेंस, ठीक है. एंड इट इज़ नॉट रेगुलेटेड एट ऑल. एंड ये जो शैडो बैंक है, इट वॉज कॉइंड बाय पॉल मैकवेले इन 2007. एंड एग्जाम्पल हैं जैसे शैडो लेंडर्स इंक्लूड स्पेशल पर्पस एंटिटीज, NBFCs, हेज फंड्स, ठीक है, ये सब आपने वो भी देखा होगा, वो रजिस्टर्ड सिस्टम होता है, ठीक है, इट इज ऑल्सो इट कैन बी ऑल्सो कम इन टू द शैडो बैंकिंग सिस्टम. एंड दीज इंक्लूड्स फंक्शन एज इंटरमीडिएटरी बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द बोरोवर, ठीक है, आपको यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी. हाउएवर 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस ने शो किया दैट शैडो बैंकिंग कैन बी अ सोर्स ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क टू बैंकिंग सिस्टम. बहुत बड़ा रिस्क ये एक क्रिएट कर सकता है. इंडिया के अंदर जो क्राइसिस चल रहे हैं NBFC के, जो कि ट्रिगर हुए लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ गई IL&FS के द्वारा, ठीक है, उसकी वजह से भी एक अटेंशन एक बात है कि हम शैडो बैंकिंग सेक्टर को देखें, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के ऊपर लोगों का जो विश्वास है वो कम हो रहा है. दे आर ट्राइंग टू हैव अदर थिंग्स आउट, ठीक है.
सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो. आई रियली होप यू एंजॉयड इट. ऐसे ही आप हमारे साथ डिफरेंट डिफरेंट जो करंट अफेयर्स हैं उनको कवर करते रहिए. आज हमने नवंबर के सारे करंट अफेयर्स कवर कर लिए हैं. अगला जो लेक्चर होगा वो होगा दिसंबर मंथ का. एंड दिसंबर को भी हम ऐसी कोशिश करेंगे कि दो लेक्चर्स में या एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाए, जिससे हम जल्दी जल्दी सारे मंथ्स को कवर कर लें एंड आपके लिए और अदर कोर्सेज लेकर आए. दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.